नमस्कार साथियों, चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे सिविल सर्विस एग्जाम के बारे में। और याद रखिए, अगर आप लोग पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने सिविल सर्विस एग्जाम के बारे में कई क्लासें ले चुके हैं अभी तक। और आपको एक और बात बता देता हूँ कि देखिए, आपके दिमाग में सिविल सर्विस से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो, अगर आप लोग इन क्लासों को देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपके हर सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। एक तरह से आप देखेंगे हम लोगों ने जीरो से बात की हुई है, समझ रहे हैं आप लोग। आप देखेंगे इन क्लासों को तो आपको देखने को मिल जाएगा कि हम लोगों ने एक क्लास में सिविल सेवा परीक्षा का ऐतिहासिक परिदृश्य देखा हुआ है। आखिर सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी आईएएस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या रहा है, इस पर हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई है। उसके बाद आप देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई है। फिर आपने देखा होगा कि हम लोगों ने सिविल सर्विस से एग्जाम का जो पैटर्न होता है यानी कि जो इसका प्रारूप होता है परीक्षा का, उस पर भी बात की हुई है। और एक एक सवाल का आपके जवाब देने की कोशिश की हुई है। और इन क्लासों में अगर आपके एक सवाल का किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो मुझे बताइएगा, मैं उन सवालों का भी जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि हम लोगों ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स के पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के बारे में विस्तार से बात की हुई है। उसके बाद मुख्य परीक्षा के बारे में हम लोगों ने बात की हुई है, इसका पाठ्यक्रम क्या है। आप देखेंगे कि जो आपके ऑप्शनल होते हैं उस पर भी हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई है। इंटरव्यू पर भी आपने देखा है कि हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं। और 2011 से लेकर 2016 तक के जो प्रारंभिक परीक्षा का पेपर फर्स्ट है, इन्हें भी हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। और आप देखेंगे इनके आंसर जो भी हैं उन्हें विस्तार से बात की हुई है हम लोगों ने। और आप देखेंगे कि जो सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट होता है, इसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और आप मुख्य परीक्षा में पहुंच पाते हैं। क्योंकि दूसरा जो पेपर होता है प्रारंभिक परीक्षा का, जिसे आप लोग सी सेट कह देते हैं, इसमें आप देखते हैं कि आपको एक तरह से पासिंग नंबर चाहिए होते हैं। और आप लोग मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो आराम से पास भी कर लेते हैं इस पेपर को। लेकिन जो मुख्य पेपर होता है वो होता है आपका सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात क्या करेंगे, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2017 का पेपर पहला। और इसमें याद रखिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है, लेकिन आज आप लोग देखेंगे कि हम लोग इसमें 2 घंटे से ज़्यादा का समय लेंगे। क्योंकि आप देखिए, यहाँ आपको केवल पढ़ के गोला नहीं लगाना है, यहाँ हम लोग उनके आंसर भी विस्तार से बात करेंगे, उनका बैकग्राउंड भी देख लेंगे। आप समझ रहे हो, बहुत अच्छे से हम लोग एक एक सरल शब्दों में बात करेंगे, तो इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। और सिविल सेवा परीक्षा के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बना रखी है, इसी में आपकी जितनी भी क्लास लूँगा डली रहेंगी आपकी, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि इसमें आपके एक तरह से परीक्षा पुस्तक अनुक्रम 4 रहते हैं, ABCD के रूप में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात और याद रखिए, इन सभी चारों में क्वेश्चंस सेम रहते हैं, बस उनका क्रम बदल जाता है। आप देखें कि किसी में 25वें नंबर पर है तो किसी में एकवें नंबर पर वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, कोई 75वें नंबर पर वो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें आप सभी जानते हैं कि 100 क्वेश्चन रहते हैं आपके, जो हम लोग देख भी लेंगे इसमें। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 200 नंबर का रहता है। और आप सभी जानते हैं कि माइनस मार्किंग भी रहती है, तो बड़े ध्यान से आप लोग लगाइएगा। चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, अनुदेश भी पढ़ लेते हैं। वैसे आप लोगों के लिए छोड़ देता था, और इसकी PDF आपकी टेलीग्राम पर डाल दी है, वहाँ से डाउनलोड करके अपने पास रख भी सकते हैं। 2011 से लेकर 2020-21 तक हम लोग डाल चुके हैं वहाँ, ठीक है। 20 तक आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और भी जितने पेपर होते रहेंगे उनकी भी PDF वहाँ डाल दिया करेंगे। परीक्षा प्रारंभ होने के तुरंत बाद आप इस परीक्षण पुस्तिका की पड़ताल अवश्य कर लें। इसमें कोई बिना छपा फटाई या छूटा हुआ पृष्ठ या फिसनांश आदि ना हो, यदि ऐसा है तो इसे सही परीक्षण पुस्तिका से बदल लें। यानी कि आप देखिए कि जब आप लोग एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं तो मेरा यही मानना है कि बड़े रिलैक्स होकर जाया करिएगा, ठीक है, और बड़े शांत होकर मन से अपने बैठ जाया करिएगा। उसके बाद आपके पास जब क्वेश्चंस पेपर आता है तो उसका उसे एक बार चेक कर लें कि कहीं उसमें कोई क्वेश्चंस मिस्टेक ना हो, या फिर वो क्वेश्चंस छूट ना गया हो, छपने से कोई गलती इस तरह की मिसप्रिंटिंग हो जाए, ठीक है। और अगर उसमें कुछ गलती पाई जाती है तो आप जो भी वहाँ टीचर होंगे उन्हें आप लोग बोल भी सकते हैं। उसके बाद OMR सीट मिलती है, उसे भी आप लोग एक तरह से सही चेक कर लिया करिएगा।
और आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा, OMR सीट को भरते समय विशेष तौर पर ध्यान रखा करिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक बार अगर गोला गलत लगा दिया तो आपके पास सुधार करने का कोई चांस नहीं रहता है, आप किसी भी तरह से उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें भी याद रखा करिएगा। और याद रखिए एक बात और, जब आप लोग क्वेश्चंस के आंसर भरते हैं, गोला लगाते हैं आंसर का, तो वहाँ भी विशेष तौर पर आप लोग एक एक करके मिला मिला के भरिएगा, क्योंकि कई बार देखा है कि एक आप लोग भर दिया, उसके बाद अगर एक गलती हुई तो नीचे तक आप देखते हैं गलती होती रहती है, तो ऐसे भी याद रखिएगा। और 100 क्वेश्चंस रहते हैं, ये बता चुका हूँ, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे रहते हैं, तो आपके लिए अच्छी बात है। और जब आपको हिंदी समझ में ना आ रहा हो तो इंग्लिश देख लिया करिएगा, और इसमें आप देखते हैं 4 विकल्प भी रहते हैं आपके पास, जिसमें से आपको एक केवल विकल्प चुनना होता है। और आपको बता दूं कि इसमें माइनस मार्किंग है, एक तिहाई यानी कि आप देखिए दंड के रूप में आपको दिया जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन आपके से गलत होता है, ठीक है, तो यानी कि एक तिहाई उसका, यानी कि आप एक तरह से समझ सकते हैं कि 3 क्वेश्चंस के एवज में आपको एक क्वेश्चंस का सही क्वेश्चंस का भुगतान करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप लोग 3 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, उनके आंसर गलत दे देते हैं, तो जो आपने एक आंसर सही दिया होगा क्वेश्चंस का वो कट जाएगा। तो विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखा करिएगा। और देखिए तुक्का तुक्का नहीं कह सकते आप लोग, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन कोई है, उसके 2 आंसर में आप लोग को लग रहा है कि ए सही हो सकता है, ए सही हो सकता है, तो मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोगों को देना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेरिट लिस्ट बहुत कम जाती है, लेकिन कोई इतना महानुभव यानी कि पढ़ा लिखा कोई भी नहीं होता है, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी, कि 100 में 100 क्वेश्चंस सही करके आए, तो यह भी याद रखा करिएगा। चलिए खैर छोड़िए, पहले क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं, बाकी आप लोग निर्देश जो भी हैं परीक्षा हॉल में बैठ के, आपके पास 10-15 मिनट का टाइम मिलता है, वहाँ पढ़ते रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। दूसरा कह रहा है, हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। एक बात और आपको यहाँ कहना चाहूँगा, इस पॉइंट को, इस लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ लिया करिएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आते हुए आंसर हम लोग गलत कर बैठते हैं इस लाइन की वजह से। अब आप सोचिए कि यहाँ सही है पूछ रहा है, और आप देखेंगे अगर यहाँ लिख के आ जाता है कि सही नहीं है, तो आप देखेंगे इसका आंसर तुरंत बदल जाएगा, तो इसे बड़े ध्यान से पढ़ लिया करेगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो आपका, देखिए संसद में आप देखते हैं 3 भाग होते हैं, एक राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और आप सभी जानते हैं कि जब कानून कोई बनता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। और आपको बता दूं कि जब कोई प्रस्ताव राज्यसभा या लोकसभा में आता है उसे आप लोग विधेयक कहते हैं, और याद रखिए जब राज्यसभा लोकसभा से पारित होके राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है, यानी कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं, हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो वो कानून बन जाता है, अधिनियम में बदल जाता है, ठीक है, तो उसी विधेयक की बात कर रहे हैं हम लोग। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो यहाँ बात की जा रही गैर सरकारी विधेयक की, तो इसे आप लोग एक नाम से और जानते हैं, इसे आप लोग प्राइवेट मेंबर बिल के नाम से भी जानते हैं। और आप सभी को मालूम है कि देखिए सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री कोई प्रस्ताव या कोई कानून बनाना है तो उसका प्रस्ताव लेकर बिल लेकर आएंगे, लेकिन जो, देखिए गैर सरकारी सदस्य, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, गैर सरकारी सदस्य उन्हें कहते हैं, संसद के ऐसे सदस्यों को कहते हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं होते हैं। और याद रखिए जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं है, अगर उनमें से कोई भी कोई प्रस्ताव लाता है तो उसे आप लोग क्या कहेंगे, गैर सरकारी, क्या कहेंगे, गैर सरकारी विधेयक कहेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और आपको बता दूं कि आजादी से अभी तक 14 गैर सरकारी विधेयक पारित हुए हैं, कितने, 14,
और वैसे सामान्यतः आप देखेंगे इस तरह के कोई भी गैर सरकारी विधेयक होते हैं वे पारित नहीं होते हैं, क्योंकि आप समझिए कि अगर ये पारित हो जाते हैं तो जो सत्ता में होती है जो सरकार उसकी बड़ी आलोचना की जाती है, समझ रहे हैं आप लोग। और ये सरकार क्या कहती है कि किसी भी गैर सरकारी विधेयक अगर सफलतापूर्वक पारित हो जाता है, उसे सदन में बहुमत मिल जाता है, तो सरकार की कार्य क्षमता पर प्रश्न चिन्ह भी लगने लगता है। और इस प्रकार के विधेयक की अगर सदन में समर्थन मिल भी जाए तो सत्ता पक्ष, जो सत्ता पक्ष होता है, वो उसे सरकारी विधेयक की तरह पारित करवाने की कोशिश भी करती है। तो ये भी याद रखिएगा। और इसमें आप देखेंगे इन दोनों कथनों को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो दोनों कथन गलत देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? दोनों कथन गलत देखने को मिलेंगे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि देखिए कोई ऐसा मुद्दा है जो देश भर में, आप देखिए देश भर में लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसे और करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई गैर, यानी कि सरकार के एक तरह से आप सोचिए कोई कैबिनेट मंत्री कोई प्रस्ताव ना लाकर, बिल ना लाकर कोई मेंबर ले आए उसे और आप देखिए वो पास हो जाता है, तो उसी को एक तरह से आप कह सकते हैं गैर सरकारी विधेयक, यानी कि सरकार की तरफ से नहीं लाया गया, ठीक है। और वैसे आपको बता दूं सरकार की तरफ से अगर कोई बिल आता है तो वैसे आपके कैबिनेट मंत्री ही लाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? डी ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं इसलिए बड़े विस्तार से बात करनी पड़ रही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। क्या पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन? ऋग्वेदकालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको सही कथन चुनना है। क्या करना है? सही कथन आपको इनमें से देखना है। तो बताइए कौन सा कथन सही होगा। चलिए पहला कथन देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है पहला कथन? पहला कथन कह रहा है कि ऋग्वेदकालीन आर्य कवच और सिर स्तान हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। दूसरा कह रहा है ऋग्वेदकालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी ताम का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम और लोहे का ज्ञान था। तीसरा कह रहा है ऋग्वेदकालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। इनमें से आपको सही उत्तर चुनना है। क्या करना है? सही उत्तर चुनना है। तो आपको बता दूं कि देखिए एक ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? एक ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि रामायण में भी आपने देखा होगा चमड़े से ढके रथों का उल्लेख भी देखने को मिलेगा। ऋग्वैदिक सारथी बर्मा मेल के कोट और सिप्रा हेलमेट के इस्तेमाल करते थे उस समय, तो ये आपका बिल्कुल सही देखने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरे की अगर दूसरे कथन की बात करें तो सिंधु घाटी के लोग आप देखते हैं तांबे का, सो चांदी सोने का उपयोग जानते थे लेकिन लोहे का उपयोग नहीं जानते थे, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। आप लोग इतिहास पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको मालूम भी होगा। और तीसरे की अगर हम बात करें तो ये भी आपको गलत देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद काल में नुकीले पहियों और घोड़ों के रथों का उल्लेख किया गया है, लेकिन हड़प्पा युग के दौरान घोड़ों के बहुत कम पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और पहले कोई भी नहीं मिले थे एक तरह से। तो इस पर भी आप देखेंगे काफी विवाद बना हुआ है और विवादित भी है, ठीक है। तो ये भी गलत माना जाता है। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? केवल एक सही है, केवल एक ए ऑप्शन लगाएंगे इसमें। जब इतिहास पढ़ते हैं तो बड़े ध्यान से पढ़ा करिएगा, बारीकी से पढ़ा करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आते रहते हैं इस तरह के। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पर। क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन अगला? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है पूर्व अधिगम की मान्यता स्क्रीम, यानी कि रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम का कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों की पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाणन। बी कह रहा है दूरस्थ अधिगम कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों में व्यक्तियों को पंजीकृत करना। सी कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में ग्रामीण और नगरीय निर्धन लोगों के लिए कुछ कुशल कार्य आरक्षित करना। और डी कह रहा है राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अर्जित कौशल का प्रमाणन। तो इसमें क्या लगाओगे? याद रखिए इसमें आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
क्या होगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा इसमें। निर्माण कार्यों में लगे कर्मकारों के पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाणन। ए ऑप्शन इसमें आप लोग बिल्कुल सही लगाएंगे, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेता है आपसे, क्या करता है, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लेता है आपसे कई बार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? तो बताइए किसका महत्व अधिक है, कुछ बताओगे? इसमें ये ऑप्शन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है ये ऑप्शन? सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, दूसरा कह रहा है नल्ला मलाबन, तीसरा यानी किसी ऑप्शन कह रहा है नारहौले नागरहौले राष्ट्रीय उद्यान, और डी कह रहा है सहसाचलम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। इसमें से क्या होगा? तो याद रखिए ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा, क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, सत्यमंगलम वन रेंज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बाकी हिस्सों के बीच एक महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारा है, और याद रखिएगा ये, ठीक है? इसमें आपका ए ऑप्शन होगा, क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है क्वेश्चन? समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेष अधिकारों का अभाव है, बी कह रहा है अवरोधों का अभाव है, और सी कह रहा है प्रतिस्पर्धा का अभाव है, और डी कह रहा है विचारधारा का अभाव है। इसमें से क्या लगाओगे? तो याद रखिए इसमें भी आप लोग ए ऑप्शन होगा, क्या होगा? विशेष अधिकारों का अभाव है। संविधान का अनुच्छेद 18 इसे सही ठहराता है। समानता के अधिकार के तहत 18A भारत के नागरिकों को दिए गए नाम मात्र के विशेष अधिकार को समाप्त कर देता है, ठीक है? सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर, याद रखिए सैन्य क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर। और एक बात तो और बता देता हूं यहां आपको कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, नीति निर्देशक तथ्य हैं, इन्हें आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और मैं यहां भी कह रहा हूं कि बड़े बारीकी से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग पुराने क्वेश्चंस पेपर अगर उठा के देखेंगे तो आपको मालूम भी चल जाएगा कि आपकी परीक्षाओं में हर साल क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते रहते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कहा जाता है, ठीक है? और इनको अगर आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो ये भी आप लोग मानिए कि आप लोग जब देखिए मुख्य परीक्षा में आंसर लिख रहे होंगे या फिर निबंध लिख रहे होंगे, वहाँ भी आप लोग बेहतर आंसर लिख पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार ही करना है। और इसमें पहला कथन क्या कह रहा है? इसमें पहला कथन कह रहा है आपसे ट्रैफिक यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक ब्यूरो है, और दूसरा कह रहा है ट्रैफिक एक मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो। उपयुक्त कथनों में से आपको सही कथन चुनना है, इन दोनों कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। तो याद रखिए इसमें आपका पहला तो बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि आपको बता दूं कि यह एक एनजीओ है, यूएनईपी के तहत ब्यूरो नहीं है, ठीक है? तो याद रखिए आपका गलत होगा। दूसरे, यह ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है? दूसरा आपका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तो इसमें क्या लगाओगे आप लोग? बी ऑप्शन। क्या लगाओगे? बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा आपका। यहाँ आपका यूएनईपी भी आया हुआ है, इसके बारे में भी बता देता हूँ कुछ, क्योंकि इस तरह की कोई भी संस्था है जो भी है इनके बारे में आप लोग विस्तार से पढ़ लिया करिएगा,
इसे आप लोग यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं। इसकी फाउंडेड यानी कि इसकी स्थापना की बात करें तो 5 जून 1972 को नैरोबी केन्या में इसका स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको नैरोबी केन्या में देखने को मिलेगा, ये आप लोग याद रखिएगा। और ट्रैफिक यानी कि अगर हम लोग ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स की बात करें तो याद रखिए ये 1976 में हुआ था। कहो 1976 में हुआ था इसका फॉर्मेशन यानी कि स्थापना, एक तरह से आप कह सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे सामने सात। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशक तथ्यों में जोड़ा गया था? बताइए कौन सा जोड़ा गया था। और आप सभी जानते हैं कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में आप देखेंगे अनुच्छेदों में संशोधन भी किया गया था। संविधान में बड़ी आप देखेंगे एक तरह से संशोधन किया गया था। और ये आप देखेंगे कि 1976 की बात है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और इस समय आप देखेंगे हमारी प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसमें ये कह रहा है पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए एक समान के लिए समान कार्य का समान वेतन। बी कह रहा है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। सी कह रहा है काम शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। और डी कह रहा है श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन और एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। तो इसमें याद रखिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक नए निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा गया था, जैसे कि अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 48A। और अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की बात की गई थी। ठीक है, और एक बात आप लोगों को यहाँ और बता देता हूँ। देखिए संविधान के जो मौलिक अधिकार होते हैं, आपको संविधान की भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार दिए गए। और आप सभी जानते हैं कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की मदद भी ले सकते हैं। आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 यानी कि अनुच्छेद 226 के तहत आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा करेगा, लेकिन जो नीति निर्देशक तथ्य हैं इनमें जो भी सुविधाएं देने की बात की गई है ये आपकी सरकारों पर निर्भर करती है। अगर सरकारें चाहें तो आपको वो सुविधाएं दिला दे सकती हैं और नहीं चाहें तो नहीं दे सकती हैं। लेकिन आप लोगों को अगर वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह आप देखते हैं कि जो आपको मौलिक कर्तव्य दिए गए यानी कि आपका कर्तव्य है कि आप चाहें तो ये काम कर सकते हैं, आप अपने संविधान की एक तरह से सम्मान कर सकते हैं, राष्ट्रीय पिता का सम्मान कर सकते हैं, जो सरकारी संपत्ति है राष्ट्रीय संपत्ति है उसकी रक्षा आप कर सकते हैं। और नहीं करना है आपको तो जबरदस्ती तो आप पर कुछ है भी नहीं है। तो यही इसी तरह आप देख सकते हैं कि आपकी नीति निर्देशक सिद्धांत भी है, सरकार चाहे तो दे और ना चाहे तो ना दे। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने आठ। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही है, यानी कि इन चार में से एक सही है और सही आप लोगों को देखना है, क्या करना है, सही आप लोगों को चुनना है। तो पहला कह रहा है, ए कह रहा है कि अधिकारों और अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। और बी कह रहा है अधिकार अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। और सी कह रहा है अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। और डी कह रहा है अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार हैं। तो इसमें आप लोग क्या देखेंगे? इसमें आप होगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अधिकारों का दर्शन राज्य द्वारा नागरिकों के शोषण को रोकने पर आधारित है, यानी कि आप कहिए कि आपको अधिकार दिए गए, आपका शोषण ना हो सके, कोई आपको ना दबाए, इसीलिए आपको मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को दिए गए कि राज्य आपको कोई, एक तरह से आप सोचिए कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको बैठक करने की स्वतंत्रता है, आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, तो ऐसा ना कि राज्य क्या करे कि राज्य आपको बोलने से मनाही कर दे, आपकी आवाज़ दबाने लगे, इसके लिए आपको मौलिक अधिकार एक तरह से
दिए गए। अगर कोई राज्य आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है या उन्हें रोकता है, आपको मौलिक अधिकार उपलब्ध नहीं कराता है या आपके मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें आप लोग सी ऑप्शन लगाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकर प्रदान करता है? बताइए इसमें क्या लगाओगे? इसमें ए कथन क्या कह रहा है आपसे? ए कथन कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच, बी कह रहा है यूएन मानवाधिकार परिषद, सी कह रहा है यूएन वुमन और डी कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो याद रखिए इसमें विश्व आर्थिक मंच होगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और इन संस्थाओं के बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछ लेते हैं, और इनके बारे में तो मैं हर बार बोल चुका हूँ। जब भी इन संगठनों के बारे में हम लोग बात करते हैं, तब आपसे बड़े विनम्र तरीके से कहता हूँ कि देखिए, इस तरह के जो भी आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उन्हें आप लोग एक एक करके पढ़ लीजिएगा, और ये संगठन जो रिपोर्ट जारी करती हैं उन पर भी आप लोग विस्तार से पढ़ लीजिएगा उनके बारे में, क्योंकि आप पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कभी कभी तो 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वरना आप सोचिए कि मुझे लगता है 4-5 क्वेश्चंस तो हर साल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और मुझे लगता है कि आप सभी 4-5-6 क्वेश्चंस की कीमत जानते भी होंगे। जब कोई 1-2 क्वेश्चन से रह जाता है तो उससे पूछिए क्या होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, विश्व आर्थिक मंच की बात करें, तो देखिए इसकी स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी, और स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर हम लोग यूएन ह्यूमन राइट्स की बात करें, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना किसकी? यूएन मानव अधिकार परिषद की 15 मार्च सन 2006 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें एक और संगठन है यूएन वोमेन। अगर इसकी बात करें हम लोग, क्या करें इसकी अगर बात करें, तो इसकी स्थापना जुलाई 2010 में हुई थी। किसकी? यूएन वोमेन की। तो इसकी जुलाई 2017 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में देखने को मिलेगा, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम लोग यूनाइटेड नेशंस की बात करें, संयुक्त राष्ट्र की बात करें, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिलेगा। और एक संगठन बचता है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसे आप लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं। तो इसकी स्थापना WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे भी याद रखिए। और आप सभी जानते हैं कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो 9 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 10। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आप लोगों को इन 3 कथनों में से सही कथन चुनना है। आप किस तरह से चुनेंगे, अब आप ही बताइए। इसे कैसे चुनोगे, कुछ पता है या नहीं है? एक पहला कथन क्या कह रहा है? यह हमारे देश के प्रत्येक शहर को 1 दशक में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र द्वारा फिर आयोजित एक स्कीम है। दूसरा कह रहा है, यह हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए नई डिजिटल प्रौद्योगिकी नव प्रवर्तनों के अभिज्ञान की एक पहल है। और तीसरा कह रहा है, यह एक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य 1 दशक में हमारे देश में सभी वित्तीय लेन देनों को पूरी तरह से डिजिटल करना है। और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। क्या करना है? सही उत्तर आपको चुनना है। कैसे चुनोगे सही उत्तर, अब आप ही बताइए।
तो इसमें आप देखेंगे, क्या देखेंगे, यह एक, यह हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी नव परिवर्तनों के अभियान की एक पहल है। पहला गलत है और दूसरा गलत है, क्योंकि यह सरकार की डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक हिस्सा है और आधिकारिक कार्यक्रमों और योजनाओं से संबंधित जुड़ा हुआ है एक तरह से, ठीक है। और यह एक डिजिटल उत्पाद विकास प्रतियोगिता है जिसके दौरान हजारों प्रौद्योगिकी छात्रों की टीमों ने विभिन्न केंद्रीय सरकार द्वारा पोस्ट की गई समस्याओं के लिए एक तरह से अभिनव डिजिटल समाधान तैयार किया हुआ है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। क्या ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते रहते हैं और इसीलिए कहता हूँ कि देखिए आप लोग कम से कम करंट अफेयर्स से जुड़े रहिएगा। इस तरह की कोई भी स्कीम आती है तो आप देखेंगे इन्हें आप लोग आराम से इनका समाधान भी निकाल सकते हैं। और स्मार्ट इंडिया हैकथॉन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया एक राष्ट्रीय अभियान भी, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी कई बार मंत्रालय भी पूछ लेता है कि ये एक कार्यक्रम कौन सा मंत्रालय ने चलाया हुआ है, ये जरूर याद रखिएगा। चलिए इसमें क्या लगाओगे आप लोग, केवल दूसरा कथन इसमें बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या कह रहा है 11 क्वेश्चन। मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसे आप लोग शॉर्ट में MPC कहते हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी कि आपको सही कथन चुनना है। कैसे चुनोगे सही कथन, बताइए इसके बारे में कुछ। पहला कथन इसमें कह रहा है, यह RBI की मानक बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है। और दूसरा कह रहा है, यह एक 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें RBI का गवर्नर शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है। और तीसरा कह रहा है, यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो आपको बता दूं, केवल इसमें एक कथन सही होगा, दूसरा बिल्कुल गलत होगा और तीसरा बिल्कुल गलत होगा। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि एक गलत क्यों होगा। तो आप सभी जानते हैं कि जो मौद्रिक नीति होती है, एक तरह से आपकी जो मौद्रिक नीति समिति, ये रिपो दर, CRR, SLR आदि को तय करती है। और RBI गवर्नर द्वारा नीति दरों वीटो की पुरानी प्रणाली एक तरह से बदल दिया गया। और इसमें याद रखिए 6 सदस्य होते हैं, ना कि 12। कितने होते हैं सदस्य इसमें, मौद्रिक नीति कमेटी में यानी कि समिति में 6 सदस्य होते हैं, जिसमें आप देखेंगे RBI गवर्नर साहब होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं RBI की, और एक RBI का अधिकारी होता है। 3 सदस्य तो आप देखेंगे RBI की तरफ से होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं, और जिसे आप लोग, हमारी केंद्रीय बैंक भी है, कौन सी, RBI। और इसकी स्थापना की अगर बात करें आपसे, तो आप सभी को मालूम होगा कि RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिल जाएंगे। और मौद्रिक नीति समिति में 3 सदस्य भारत सरकार के होते हैं। क्या होते हैं, भारत सरकार की तरफ से नामित सदस्य होते हैं, यानी कि सरकार की तरफ से, और वे 4 साल की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। और RBI के गवर्नर MPC के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ना कि आपके केंद्रीय वित्त मंत्री। RBI के गवर्नर मौद्रिक नीति समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं, इस बात को याद रखिए। तो इसमें क्या लगाओगे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला कह रहा है कि यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। दूसरा कह रहा है, केवल करताल सिंबल ही यह एकमात्र वाद्यंत्र है जो इसका इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। और तीसरा कह रहा है, भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, सही कथन आपको देखना है। तो याद रखिए, इसमें एक कथन सही है और एक आपका तीसरा कथन बिल्कुल सही है, और दूसरा इसमें गलत है। क्या है, गलत है। संकीर्तन मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, और आप देखेंगे इसी कारण ये चर्चा में था उस समय। और इसमें आप देखेंगे, इसमें ड्रम का उपयोग किया जाता है,
ना कि वाद्य यंत्र ड्रम का। ठीक है, ड्रम आप लोगों ने बजाया भी होगा, तो इसमें आपका बी ऑप्शन हो गया, यानी कि दो एक दूसरा गलत है और एक और तीन कथन सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, 13, क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की प्रारंभ किए जाने के से समृद्ध थी, यानी कि जुड़े हुए थे। एक कह रहा है लॉर्ड लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा कह रहा है अलेक्जेंडर रीड और तीसरा कह रहा है थॉमस मनरो। एक बात और यहाँ आपको बता देता हूँ कि देखिए आपके जो भी गवर्नर रहे हैं, गवर्नर जनरल रहे हैं, वायस रहे हैं, इनका समय काल आप लोग बड़े अच्छे से याद रखिएगा और इनके शासनकाल में जो भी घटनाएं घटी हुई हैं उन पर भी आप लोग विस्तार से एक तरह से एक आप नोट्स बना के रख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में हर बार आते रहते हैं। ठीक है, और परीक्षाएं कहने के मतलब देखिए सिविल सर्विस ही नहीं है, सिविल सर्विस के अलावा भी आप देखते हैं स्टेट पीसीएस आपके होते हैं, वन डे एग्जाम होते हैं, उनमें भी आते रहते हैं। ठीक है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो इसमें आप लोगों को क्या लगाओगे, एक तो दूसरा आपका बिल्कुल सही है, एक तीसरा आपका बिल्कुल सही है। क्या है, तीसरा बिल्कुल सही है। रैयतवाड़ी प्रणाली को आप देखेंगे 18वीं शताब्दी में सेंचुरी में, यानी कि कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो द्वारा एक तरह से इसे चलाया गया था, तैयार किया गया था। इसे बाद में थॉमस मुनरो द्वारा पेश किया गया था जब वे मद्रास के गवर्नर थे 1820 से लेकर 1827 के बीच। ठीक, और आप देखेंगे अगर एक तरह से आप देख सकते हैं रैयतवाड़ी के पीछे का सिद्धांत सरकारी एजेंटों द्वारा प्रत्येक व्यक्तिगत किसान से भू राजस्व का प्रत्यक्ष संग्रह था, यानी कि कहने का मतलब है कि डायरेक्ट किसान से एक तरह से जो भी राजस्व था, जो भी टैक्स था, उसका लेने की बात की गई थी इसके तहत। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें क्या लगाओगे, 13 में क्या लगाओगे, कुछ मालूम है? दो और तीन कथन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैवोपचारण बायो रेमिडिएशन तकनीक के कौन से लाभ हैं, बताइए इन तीन में से कौन से लाभ हैं। चलिए पहला इसमें कथन क्या कह रहा है, पहला कथन कह रहा है कि जब यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। दूसरा कह रहा है कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैव उपचारण द्वारा सहज ही और पूरी तरह से उपचारित किया जा सकता है। और इसमें तीसरा कथन कह रहा है कि जैव उपचारण के लिए विशेष अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए अनुवांशिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। इन तीन में से आपको सही कथन चुनना है। तो याद रखिए इसमें एक तो आपका एक कथन सही है और एक आपका तीसरा है, दूसरा आपका बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या है, बिल्कुल गलत है, यानी कि एक और तीन बिल्कुल सही है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि हमेशा एक तरह से आप देखेंगे जैवोपचार एक धीमी प्रक्रिया है, समझ रहे हो, इसलिए कैडमियम और सीसा जैसी भारी धातुएं सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अवशोषित या कब्जा या इन्हें की एक तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा। आने वाले वर्षों में आप देखेंगे उद्योगों में एक मानक अभ्यास भी होगा, उदाहरण के लिए आप लोग ले सकते हैं कि तेल के खाने की क्षमता वाली बैक्टीरिया अल्केनिवोरेस का उपयोग उन प्रजातियों को बनाने के लिए किया जा सकता है जो तेल फैलने को साफ करने में एक तरह से अधिक सक्षम हो। ठीक है, तो इसमें आप लोग एक कथन सही है और एक आपका तीसरा सही है, यानी कि सी ऑप्शन आप लोग इसमें लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सी ऑप्शन।
चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 15। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम यानी कि ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट निम्नलिखित में से किसका संबंध उपबंध करता है? 1929 के व्यापार विवाद अधिनियम के बारे में बात कर रहा है। तो ए ऑप्शन कह रहा है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, बी कह रहा है औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति, और सी कह रहा है व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, और डी कह रहा है अधिकरणों ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली और हड़तालों पर रोक। तो इसमें क्या लगाओगे? याद रखिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसमें क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए एक तरह से 1929 का जो अधिनियम था इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार विवादों की जांच और निपटान की दृष्टि से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और बोर्ड ऑफ सुलह की स्थापना के लिए प्रावधान की बात की गई थी। क्या की गई थी? बात की गई थी। और अधिनियम ने सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में बिना किसी सूचना की हड़ताल या तालाबंदी पर रोक भी लगा दी थी, और इसने किसी भी हड़ताल या तालाबंदी को अवैध बना दिया था जिसका व्यापार उद्योग के भीतर व्यापार विवादों को आगे बढ़ाने के अलावा कोई अन्य उद्देश्य था। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन होगा। इतिहास की घटनाएं हैं इन्हें आप लोग आसानी से पढ़ते रहिए। जब भी इतिहास पढ़ते हैं तो बड़े अच्छे से पढ़िएगा। अब पढ़ ही रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए एक बार में ही। फिर उसके बाद आप देखिए कि आप लोग रिवीजन होता रहता है तो याद भी बना रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 16। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या है, यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, सी कह रहा है प्रशासकीय प्रत्यायोजन का, और डी कह रहा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो आप लोग क्या करेंगे इसमें बताइए? तो आप सभी जानते हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। एक बात और आपको बता दूं, देखिए आप सभी जानते हैं कि जो आपके 92-93 संविधान संशोधन द्वारा पंचायतें या फिर नगर पालिकाओं को इनको संविधान में जगह मिली हुई है। अगर आप सोचिए कि गांधी जी महात्मा गांधी कुछ समय तक और जिंदा रहते, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1948 में उनकी हत्या कर दी जाती है, अगर वो 1950 तक अगर जिंदा रहते तो आप ये यकीन मानिए कि इस तरह की जो भी आपकी पंचायतों की व्यवस्था की गई थी, स्थानीय पंचायतों की व्यवस्था हुई, इन्हें संविधान में जगह उसी समय मिल जाती है जब संविधान लागू हो रहा था। क्योंकि आप देखेंगे कि एक तरह से महात्मा गांधी इसके पक्ष में थे शक्ति के बंटवारे के। और एक बात और आपको बता दूं, संविधान का आप लोग संविधान में आर्टिकल 40 आपके पंचायतों की स्थापना की बात करता है। ठीक है, पंचायतों से संबंधित है। और 73वां 74वां संविधान संशोधन भी आप लोग सुने होंगे, इसके तहत विकेंद्रीकरण और जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण सशक्तिकरण स्थानीय स्वशासन की मूल मार्गदर्शक के सिद्धांत भी रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 17। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। तो इसमें पहला कथन इसमें आपसे क्या कह रहा है? पहला कथन कह रहा है कि भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निदेशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। दूसरा कह रहा है कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। उपयुक्त कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। एक आपको एक बात और बता दूं यहाँ कि देखिए 2-3 डेट आपसे काफ़ी पूछता रहता है और आप लोग कई बार क्या होता है कि इसमें भ्रमित भी हो जाते हैं, तो आप लोगों को बता देता हूँ इन डेटों को। एक तो आप लोगों से 26 जनवरी के बारे में पूछता है, एक आपसे 26 नवंबर के बारे में, एक 15 अगस्त के बारे में। देखिए 15 अगस्त 1947 को आप सभी जानते हैं कि आपको आज़ादी मिली, इसलिए आप लोग इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को आप सभी जानते हैं कि कुछ प्रावधानों के साथ 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ, इसीलिए इसे संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और 26 जनवरी की अगर बात करें तो देखिए पूरी तरह से एक तरह से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा हूँ, और इसीलिए आप लोग इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। एक गढ़ यानी कि एक स्वतंत्र देश के रूप में इस समय 26 जनवरी 1950 को देश बनता है। ठीक है, इन डेटों में कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं तो इन्हें आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें आप देखेंगे ना तो एक सही है और ना ही दूसरा कथन सही है, यानी कि इसमें आपका डी ऑप्शन होगा। क्या रहेगा? डी ऑप्शन होगा। आप देखेंगे तो संविधान के बाद 3 आप लोगों ने पढ़ा भी होगा,
और मूल अधिकार भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, आर्टिकल 12 से लेकर आप देखेंगे कि आपके 35 तक ये आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित ही है। अगर हम लोग मौलिक अधिकारों की बात करें तो पहले आप सभी जानते हैं कि 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को आप सभी को मालूम होगा कि इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया था, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और याद रखिए, इसे अब संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। और अभी आप जानते हैं कि 4-6 आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। एक तो आपका समता का अधिकार, जिसे आप लोग समानता का अधिकार भी कहते हैं, और अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आपका समानता या समता का अधिकार देखने को मिलेगा। और दूसरा आप देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आपको देखने को मिलेगा। तीसरा आपको शोषण के विरोध अधिकार, आर्टिकल इसमें 23-24 देखने को मिलेगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसमें आप देखेंगे आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक देखने को मिलेगा। और फिर आप देखेंगे एक आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये आपको आर्टिकल 29-30 देखने को मिलेगा। और एक आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 जिसे आप लोग कहते हैं। ऐसे आप लोग जानते होंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा भी कहा था, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिया है कि संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है, तो याद रखिए अनुच्छेद 32 को किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और आप सभी लोगों को मालूम होगा कि संविधान का पिता माना जाता है, किन्हें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। आर्टिकल 32 इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि देखिए आपके बाकी अगर आर्टिकल 32 नहीं है तो बाकी आपके मौलिक अधिकारों का कुछ भी लेना देना नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि आप जानेंगे, देखिए कोई भी सरकार आपके मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करे, कोई भी व्यक्ति हो या संस्थाएं हो आपके मौलिक अधिकारों का हनन करेंगे, आप कुछ नहीं उखाड़ सकते। लेकिन आपके अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अभी आप जानते हैं कि आर्टिकल 32 के तहत आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा करेगा, ठीक है। अब बात आती है नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें अगर हम लोग, तो ये आपको मालूम होगा कि संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आपके राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी कि सिद्धांत देखने को मिलेंगे। और इसमें याद रखिए, इसमें पहले भी बता चुका हूँ कि जो नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत हैं, ये आप देखिए कि राज्य सरकारें चाहें, आपकी सरकारें चाहें, तो इसमें जो भी सुविधाएं देने की बात की गई है उन्हें दे सकती है। लेकिन अगर ये सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो आप लोग ना तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ना ही हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 18। समाचारों में आने वाला डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति, डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी पद किसे निर्दिष्ट करता है, बताइए। इन चार में से एक तो होगा सही, अब आपको सही ही चुनना है। क्या करना है, सही ही चुनना है। कैसे चुनोगे सही, तो इसमें पहला कथन कह रहा है कि आसियान को, दूसरा कह रहा है ब्रिक्स को, और तीसरा कह रहा है ईयू को, और डी कह रहा है G20 को। तो इसमें क्या होगा सही, तो याद रखिए ईयू होगा इसमें, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, यूरोपीय आयोग के बारे में आप लोग सुने हो, उसी की बात हो रही है। इन चारों संस्थाओं के बारे में बता देता हूं क्योंकि कई बार इनसे भी क्वेश्चन आ चुके हैं आपकी परीक्षाओं में। अगर हम लोग आसियान की बात करें, किसकी, आसियान की, तो इसमें आप देखेंगे इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और इसका हेडक्वार्टर आपको जकार्ता इंडोनेशिया में देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में इसकी स्थापना की गई थी। वहीं अगर हम लोग ब्रिक्स की बात करें, किसकी, ब्रिक्स की, तो इसके याद रखिए इसमें आप देखते हैं कि आपका ब्राज़ील शामिल है, रसिया शामिल है जिसे आप लोग रूस भी कहते हैं, इंडिया भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, और साउथ अफ्रीका भी शामिल है। और ब्रिक्स की बात करें तो इसकी स्थापना जून 2006 में की गई थी, ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें आपके 5 देश शामिल हैं, इन्हें याद रखिए पांचों को, क्योंकि कई बार पूछ लेता है। अगर हम ईयू की बात करें तो यूरोपीय यूनियन,
तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 में की गई थी, 1 नवंबर 1993 को। और इसमें आप देखेंगे वर्तमान में 27 मेंबर बचे हुए हैं, पहले 28 थे अब 27, ठीक है। और G20 की बात करें तो आप देखेंगे इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में की गई थी, 26 सितंबर 1999 में। 18 में आपका बी होगा, ठीक है, माफ करिए 18 में सी होगा, बी नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है 19? भारत में एक ऐसा स्थान है जहां यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पर वापस आता है, और जब जल पीछे हटा होता है तब आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। यह अनूठी घटना कहाँ देखी जाती है, मतलब ये कहाँ देखी जाती है, और अगर नहीं गए हों तो देख आना, चले जाना, हो आना, क्या फर्क पड़ता है। इसमें ये ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे, भावनगर में, बी कह रहा है भीमुनीपट्टनम में, सी कह रहा है चांदीपुर में, और डी कह रहा है नागपट्टिनम में। तो याद रखिए इसमें आपका चांदीपुर होगा, क्या होगा, चांदीपुर सी ऑप्शन होगा, क्या होगा, सी ऑप्शन। पादनी के उतार चढ़ाव के कारण आप देख रहे हैं, आप लोगों ने ज्वार भाटा सुना होगा तो उसी तरह की ये घटना है, ठीक है, ऐसी जगह सुना करिए तो हो आया करिएगा, मुझे भी बताया करिएगा फिर होके। इस तरह की ऐतिहासिक देखिए और हिस्टोरिकल जो भी प्लेस हैं उन्हें तो जरूर देखा देखने जाया करिएगा। इससे क्या होता है कि आपके एक तो घूमने का प्लान बन जाता है और माइंड फ्रेश हो जाएगा, और दूसरा आपका इतिहास काफ़ी संभलेगा। और जब भी इस तरह की कोई इतिहास की कोई भी इमारत है या कोई भी स्थान है इतिहास से जुड़ा हुआ है वहाँ जाया करिएगा, तो उसके बारे में आप लोग पहले पढ़ के जाया करिएगा और फिर वहाँ देखा करिएगा कि अच्छा ये है जिसे बताया गया हमारी किताबों में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 20। क्या क्या कह रहा है, बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम 1988 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको क्या करना है, विचार करना है, और आपको नीचे 3 ऑप्शन दिए गए। क्या दिए गए, 3 ऑप्शन दिए गए, और 3 में से आपको सही चुनना है। पहला कह रहा है किसी संपत्ति का लेन देन बेनामी लेन देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन देन के बारे में अवगत नहीं है, और दूसरा कह रहा है बेनामी पाई गई संपत्ति सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए दायी होगी, और तीसरा कह रहा है यह अधिनियम जांच के लिए 3 प्राधिकारियों का उपबंध करता है किंतु यह किसी अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध नहीं करता है, और इसमें से सही आपको चुनना है। इन 3 कथनों में से क्या करना है, सही चुनना है। तो याद रखिए इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी 1 और 3 गलत है। क्या है, गलत है। आप देखेंगे बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम 1988 को बेनामी लेनदेन निषेध संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा संशोधित किया गया है, और आपने देखा है कि 2016 में इस संशोधन हुआ है इसका, और इसीलिए आप देखेंगे ये 2017 में आपके क्वेश्चंस पेपर में आ चुका, और आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आप लोगों को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए वह, ठीक है। तो इसमें पहला कथन आप लोगों का बिल्कुल गलत है, क्योंकि कानून की अज्ञानता कानून के उल्लंघन का बहाना नहीं हो सकता, एक बुनियादी सिद्धांत है जिसका आधार एक तरह से गलत होगा। और बेनामी संपत्ति बिना मुआवजे के भुगतान के सरकार द्वारा जब्त के लिए उत्तरदायी भी है, और जो PBPT अधिनियम के तहत न्याय निर्णायक प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में एक अपीलीय तंत्र प्रदान किया गया है, ठीक है। तो इसमें आपका केवल 2 होगा कथन सही, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्या होगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 21। क्या कह रहा है 21, कुछ कारणवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। आप लोग जो तितलियां देखते हैं ना उसके भी फायदे हमारे लिए,
आप सोचिए कि देख तरह देखिए आप लोग आपकी फसलों के लिए काफ़ी एक तरह से, या फिर आप देखिए कि आपकी जो कुछ फूल होते हैं, जो फल देने वाले वृक्ष होते हैं, उनके लिए काफ़ी लाभदायक भी होते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो पहला कथन इसमें कह रहा है कुछ पौधों के परागण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा कह रहा है कुछ क्रेस्ते पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। और तीसरा कह रहा है इसके कारण बर्रों, मकड़ियों, पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। तो याद रखिए, इसमें एक तो आपका बिल्कुल सही है और एक आपका दूसरा सही है, माफ करिए, तीसरा सही है, दूसरा आपका बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। मधुमक्खियों और तितलियों की बात करें तो परागण कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाकर पौधों के परागण और फसलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपको बताया था ना, उसी की बात कर रहा हूँ। और ये तितलियों के कुछ सामान्य शिकारी जैसे ततैया, चींटियाँ, परजीवी, मक्खियाँ, पक्षी, सांप या फिर चूहे, इनके लिए एक तरह से ये आप कह सकते हैं कि खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है। तो इसमें आपका तीसरा भी सही होगा, यानी कि इसमें आप लोग लगाएंगे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इसे उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमाएं या हो सकती हैं या हैं? तो इनमें से आपको सीमाएं देखना है। ए ऑप्शन कह रहा है शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। दूसरा कह रहा है शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। और तीसरा कह रहा है आर्थिक रूप से व्यवहार उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिक एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सके। बताइए इसमें क्या लगाओगे? तो याद रखिए, इसमें एक तो आपका दूसरा कथन बिल्कुल सही है और एक आपका तीसरा कथन बिल्कुल सही है, लेकिन पहला कथन गलत है। पहला कथन गलत है। कृषि या खारे पानी या अवशिष्ट जल के लिए अनुपयुक्त भूमि पर शैवाल कृषि यानी कि खेती शैवाल शुरू की जा सकती है, याद रखिएगा। इसमें क्या होगा ऑप्शन सही? इसमें होगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहेगा। ठीक है, बी ऑप्शन। और देखिए शैवालों का उपयोग आप देखेंगे खाद्य रूप में भी कई सामान ऐसे आते हैं उसमें किया जाता है, और आप देखेंगे इनसे एंटीबायोटिक भी बनाई जाती हैं शैवाल, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय पोषण मिशन नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के उद्देश्य हैं? इन चार में से आपको राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्य के बारे में आप लोगों को देखना है। क्या करना है? देखना है। पहला ऑप्शन कह रहा है गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान यानी कि दूध पिलाने वाली वाली माताओं में कुपोषण से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना। दूसरा कह रहा है छोटे बच्चों, किशोरियों और बालिकाओं में रक्त अल्फा की घटना को कम करना। और तीसरा कह रहा है बाजरा, मोटा अनाज तथा अपरिष्कृत चावल के उपयोग उपभोग को बढ़ाना। और चार कह रहा है मुर्गी के अंडों के उपयोग उपभोग को बढ़ाना, मुर्गी के अंडे। और याद रखिए आपका जो राष्ट्रीय पोषण मिशन की बात कर रहा हूँ ना, ये 2018 में शुरू किया गया था। कब? 2018 में शुरू किया गया था, बताया आपको। तो याद रखिए इसमें एक ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा और चौथा बिल्कुल गलत है। आपको बता दूं कि इसकी स्थापना एक तरह से ये 2018 में शुरू किया गया था राष्ट्रीय पोषण मिशन, और इसका उद्देश्य यही रखा गया था कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए
पोषण संबंधी परिणामों में सुधार किया जा सके, और ये भारत सरकार का एक तरह से मेन कार्यक्रम है, प्रमुख कार्यक्रम रहा है। और राष्ट्रीय पोषण मिशन नीति आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय पोषण रणनीति द्वारा समर्थित है, और इस रणनीति का उद्देश्य वर्ष 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त कराना है। ये भी याद रखिएगा। तो इसमें आपको ए ऑप्शन लगाओगे, ठीक है। 23 में क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? 24 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। कैसे विचार करोगे? कुछ तो करोगे। पहला कथन इसमें कह रहा है आपसे, पहला कथन कह रहा है, क्या कह रहा है पहला कथन? कि फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। और दूसरा कह रहा है NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। इनमें से उपयुक्त कथनों में से आपको सही कथन चुनना है, इन दोनों कथनों में से सही कथन चुनना है। आपको बता दूं कि 1881 में जब फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ उस समय आप देखेंगे आपके गवर्नर जनरल कौन थे, या वायस राय कौन थे बताइए। ये लॉर्ड रिपन के समय की बात है। किसके? लॉर्ड रिपन के समय की बात है बता रहा हूं। और इसका उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो इसके कामकाज में एक तरह से इसका उद्देश्य यही था। किसका? 1881 के अधिनियम का, फैक्ट्री एक्ट का, कि श्रमिकों की कामकाजी परिस्थितियों में सुधार करना था। इसमें 7 साल से कम उम्र के बच्चों को के रोजगार पर रोक लगा दी गई थी। यानी कि कहने का मतलब है कि फैक्ट्री में काम करने पर रोक लगा दी गई थी जो 7 साल से कम उम्र के बच्चे थे। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए काम के घंटों की संख्या सीमित की गई थी। यानी कि 12 साल तक के, यानी कि 7 से लेकर 12 साल तक के बच्चे फैक्ट्री में काम तो कर सकते थे लेकिन उनके लिए काम की घंटे की संख्या बताई गई थी कि आपको इतने घंटे काम करना होगा। और आपको बता दूं कि जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे थे उन्हें खतरनाक मशीनरी, ठीक, मतलब जो खतरनाक फैक्ट्री होती हैं जिनमें खतरनाक काम होता है उनमें रोक लगा दी गई थी, ठीक है। और इसमें एक और बात याद रखिए, लोखंडे अगर हम बात करें NM लोखंडे की, तो लोखंडे भारत में श्रमिक आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने न केवल 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल हाथों की कामकाजी परिस्थितियों में सुधार के लिए बल्कि जातीय और सांप्रदायिक मुद्दों पर उनकी साहसी बल के लिए उन्हें याद किया जाता है। काफ़ी उन्होंने इसमें भूमिका भी निभाई हुई है। तो इसमें आपका केवल दूसरा कथन सही रहेगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 25, कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन की न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन से संभावित स्थान हो सकते हैं? पहला कह रहा है इसमें परित्यक्त और गैर लाभकारी कोयला संस्तर, दो कह रहा है निशेष से तेल और गैस भंडार, और तीसरा कह रहा है भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। कैसे चुनोगे सही? तो याद रखिए इसमें आपके तीनों बिल्कुल सही होंगे। क्या होंगे? तीनों बिल्कुल सही होंगे, तीनों बिल्कुल सही होंगे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, समझ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें डी ऑप्शन लगाओगे आप लोग? क्या लगाओगे? डी ऑप्शन, यानी कि आप लोग उत्तर पुस्तिका में डी ऑप्शन पर गोला लगाओगे, क्योंकि आपका तो ऑफलाइन पेपर होता है ना। जो ऑनलाइन लगाते हैं उनके लिए अच्छी सुविधा है कि कंप्यूटर से आपको डी पर आपको क्लिक कर देना होगा। चलिए 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्या कह रहा है 26वां क्वेश्चन? 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, 1927 में जो बटलर कमेटी आई थी उसका उद्देश्य था, ए कह रहा है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, बी कह रहा है भारत की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, और सी कह रहा है राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, और डी कह रहा है भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो मुझे लगता है आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो आप लोग डी ऑप्शन लगा देंगे। इसे भारतीय राज्य समिति के रूप में भी आप लोग जानते हैं, समझ रहे हैं? हारकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में एक तरह से इस समिति की स्थापना की गई थी 1927 में, इसीलिए आप लोग इसे बटलर कमेटी भी कह देते हैं। तो भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारने के लिए एक तरह से ये लाई गई थी, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, समझ रहे हैं आप? कहीं से भी क्वेश्चंस किसी भी तरह का पूछ ले, आपसे छूटना नहीं चाहिए, मेरा यही उद्देश्य है मेरा कहने का। तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाले घरेलू अंश आवश्यकता डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पद का संबंध किससे है? बताइए, इन चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने, किससे लगाओगे आप लोग? ए ऑप्शन इसमें आपका कह रहा है हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से, बी कह रहा है हमारे देश में विदेशी टीवी चैनलों को अनुज्ञप्ति प्रदान करने से, और सी कह रहा है हमारे देश के खाद्य उत्पादों को अन्य देशों की निर्यात करने से, और डी कह रहा है विदेशी शिक्षा संस्थाओं को हमारे देश में अपने परिसर स्थापित करने की अनुमति देने से। तो इसमें याद रखिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, यानी कि हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में सुने? उन्हीं के नाम पर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन सरकारी खरीद में सौर पैनलों और सेल के भारतीय निर्माताओं का पक्षघर है, और इसे डीसीआर, क्या डीसीआर यानी कि आपका घरेलू अंश आवश्यकता, जिसे आप लोग डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट भी कहते हैं। चलिए, तो इसमें आप लोग ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाँ, विचार ही करना है, उसके बाद आपको पढ़ के सही आंसर देना है। विचार कर लीजिएगा, उसके बाद सही आंसर दे दीजिएगा। चलिए, तो पहला इसमें कथन क्या कह रहा है आपसे? पहला कथन कह रहा है कि परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आवधिक रूप से किए जाते हैं। दूसरा कह रहा है विखंडनीय सामग्रियों पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का एक अंग है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी कि आपको सही कथन चुनना है। तो आपको बता दूं कि दोनों कथन बिल्कुल गलत है, कोई भी कथन बिल्कुल सही नहीं है, एक कथन भी गलत है और दूसरा भी गलत है। 2009 के उस समय आप देखेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे ओबामा, और बहुत अच्छा इनका कामकाज भी रहा है, आप देखते हैं कि दुनिया भर में चर्चा का विषय भी रहे और लोग इन्हें मानते भी हैं। तो ओबामा ने उस समय क्या कहा था कि परमाणु आतंकवाद वैश्विक सुरक्षा के लिए सबसे तत्कालिक और अत्यधिक खतरा है, और आप सोचिए कि इसीलिए उत्तर कोरिया जैसे छोटे से देश के राष्ट्र प्रमुख से डोनाल्ड ट्रंप मिलते हैं, उसे समझाते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उसके पास ऐसा माना जाता है कि परमाणु हत्या, उस देखिए उस देश में उत्तर कोरिया में लोगों के पास भुखमरी है, खाने के लिए नहीं है, फिर भी आप देखिए कि परमाणु हथियार इस तरह के उपकरण बनाता रहता है। और ये भी माना जाता है कि धरती पर दुनिया में इतने हथियार हो चुके हैं कि आप देखिए इस पृथ्वी को कई बार नष्ट किया जा सकता है, और ऐसा माना जाता है कि परमाणु हथियार जो भी होते हैं, जो देश दूसरे देश पर गिराता है वो तो बर्बाद हो ही जाता है, साथ में गिराने वाला देश भी बर्बाद हो जाता है।
तो इसलिए इन्हें रोकने के लिए एक तरह से बात की जाती है। और इस खतरे को कम करने के लिए उन्होंने आग्रह किया था ओबामा ने कि हम उद्देश्य के साथ और बिना देरी के काम करते हैं और दुनिया भर में कमजोर परमाणु सामग्री को सुरक्षित करने के लिए एक नए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की घोषणा करते हैं और पर्यावरण परमाणु सुरक्षा पर एक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे और जिसकी संयुक्त राज्य अमेरिका ने मेजबानी करेगा उस समय। और 2006 में आपने देखा होगा कि ब्राजील में स्थापित 18 देशों के स्वतंत्र परमाणु विशेषज्ञों का एक समूह था। इसमें ब्राजील हो, कनाडा हो, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, ईरान, जापान, नीदरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम और पृथक प्लूटोनियम परमाणु हथियारों में प्रमुख सामग्री के रूप में ये प्रयोग होती है, इन सभी का स्टॉक को सुरक्षित और तेजी से कम करने और किसी भी आगे के उत्पादन को सीमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल की गई थी उस समय। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें क्या लगाओगे आप लोग, यानी कि दोनों गलत हैं, यानी कि डी ऑप्शन लगा दोगे, ना तो एक सही था और ना ही दूसरा सही था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 29। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस में सम्मिलित हो सकता है, कौन हो सकता है सम्मिलित, कुछ बताओगे? चार ऑप्शन हैं जिनमें से आप देखेंगे कम से कम एक तो सही होगा। ए कह रहा है केवल निवासी भारतीय नागरिक, बी कह रहा है केवल 18 से 55 तक आयु के व्यक्ति, सी कह रहा है राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं, और डी कह रहा है सशस्त्र बलों समेत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद सेवाओं में आए हैं। तो याद रखिए इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। क्या बिल्कुल सही होगा? डी ऑप्शन आपका राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक तरह से पेंशन सह निवेश योजना है जिसे भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों के को वृद्धा यानी कि बूढ़े, आप समझिए कि लोग बूढ़े भी तो होते हैं, तो उस समय एक तरह से इनकी सुरक्षा के लिए ये योजना लाई जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, समझ रहा है? तो याद रखिएगा। और इसमें याद रखिए इसमें आपके सशक्त बलों समेत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद सेवाओं में आए हैं वो सभी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, सम्मिलित हो सकते हैं। इस तरह की जो भी स्कीम है इनके बारे में याद रखा करिएगा क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, क्या करता है, पूछ लेता है आपसे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तिस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, किसके, तिस्ता नदी की बात कर रहा है। इसमें आपको तीन ऑप्शन दिए गए, क्या दिए गए, तीन ऑप्शन दिए गए, इनके बारे में कुछ आप बताइएगा, कुछ मैं बताता हूँ, आप लोगों को अगर मालूम हो तो आप लोग भी बताइए कुछ। तो इसमें पहला कह रहा है कि तिस्ता नदी का उद्गम वही है यानी कि वहीं से उत्पन्न होती है तिस्ता नदी जहाँ से ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। दूसरा कह रहा है कि रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तिस्ता नदी की एक सहायक नदी है। और तीसरा कह रहा है तिस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है और उपयुक्त कथनों में से सही कथन आपको चुनना है। तो याद रखिए इसमें केवल आपका दूसरा कथन बिल्कुल सही है, रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तिस्ता नदी की एक सहायक नदी है। क्या है, आपको बता दूं कि तिस्ता नदी के बारे में अगर हम बात करें तो इसका उद्गम पता है आपको,
तिस्ता नदी का उद्गम पाऊहुनरी हिमनद, जेमू हिमनद भी कहते हैं इसे, यहाँ से होता है इसका, सिक्किम। और आपको देखने को मिलेगा ये पश्चिम बंगाल में होते हुए मिल जाती है। तिस्ता नदी भारत के सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और तिस्ता नदी की कुल लंबाई की अगर बात करें तो 309 किलोमीटर देखने को मिलेगी आपको। और आपको मालूम होगा कि तिस्ता ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी भी है। और रंगीत ये तिस्ता की सहायक नदी है और इसका उद्गम आप देखेंगे सिक्किम में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका केवल बी ऑप्शन होगा, यानी कि दूसरा कथन केवल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। पहला कथन इसमें क्या कह रहा है? इसमें पहला कथन कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिसे जिससे डेंगू संचरित होता है, यानी कि डेंगू फैलता है। दूसरा कह रहा है कि जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो याद रखिए इसमें दोनों आपके बिल्कुल सही है। क्या है? सी ऑप्शन होगा, यानी कि दोनों बिल्कुल सही है। जो एडीज प्रजाति के मच्छर होते हैं ना, इनके काटने से लोगों में फैलता है। मान लीजिए कि आपको काटा और आपसे काट के दूसरे के पास गया हुआ है, या फिर दूसरे के पास से आपके पास आया हुआ है, तो इस तरह से ये फैलता है। और मच्छर से आप सभी जानते हैं डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, ये फैलते हैं। तो इसमें आपके दोनों बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन होगा आपका। आजकल इस तरह के वायरस भी फैल रहे हैं तो बच के रहा करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको क्या करना है? विचार ही करना है, और क्या कर सकते हैं हम लोग। पहला कथन इसमें कह रहा है आपसे, मोटर वाहनों के टायरों और ट्यूब के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS का मानक चिन्ह अनिवार्य है। और दूसरा कह रहा है, एगमार्क के खाद्य एवं कृषि संगठन या कि FAO द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए केवल इसमें एक कथन सही है, दूसरा आपका बिल्कुल गलत है। क्या है? दूसरा बिल्कुल गलत है। एगमार्क भारत में कृषि उत्पादों पर नियोजित एक प्रमाणन चिन्ह है जो यह सुनिश्चित करता है कि वे भारत सरकार की एक एजेंसी विपणन और निरीक्षण निर्देशालय द्वारा अनुमोदित मानकों के एक समूह के अनुरूप हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ दो शब्द आए हुए हैं आपके, एक तो आप देख रहे हैं कि एक शब्द आया हुआ है FAO, क्योंकि ये संस्था है आपकी, इसे आप लोग क्या कहते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की बात करें तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको रोम में देखने को मिलेगा। कहाँ? रोम, इटली में। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और विपणन और निरीक्षण निर्देशालय की बात करें जिसे आप लोग DMI भी कहते हैं, तो याद रखिए ये आपका DMI कृषि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक तरह से कृषि सहभागिता और किसान कल्याण विभाग की एक समृद्ध कार्यालय एकीकृत विकास के लिए कृषि विपणन नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए 1935 में स्थापित किया गया था ये। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। इस तरह की क्या होती है कि संस्थाएं से क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, मैं इसलिए बताता रहता हूँ आपको। तो इसमें आपका केवल क्या होगा? केवल एक, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, रुकना थोड़ी है, बढ़ते रहना है।
रुक जाएंगे तो आप देखते हैं ना कि पानी ख़राब हो जाता है रुकने से, उसी तरह हमारा भी टाइम ख़राब हो जाएगा। 35 क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम को क्रियान्वित करने के क्या लाभ हैं बताइए। क्या राष्ट्रीय कृषि बाजार की बात कर रहे हैं, इसे आप लोग शॉर्ट में NAM कहते हैं। क्या कहते हैं? NAM भी कहते हैं। और आपको बता दूं कि 2016 में एक तरह से आई हुई थी ये, प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब द्वारा लाई गई थी। तो इसमें पहला कह रहा है कि यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, और दूसरा कह रहा है यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है जिसमें उनके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। बताइए। तो याद रखिए इसमें आपके दोनों होंगे बिल्कुल सही, एक और दो दोनों कथन बिल्कुल सही होंगे, दोनों कथन बिल्कुल सही होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारे सामने 34। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। पहला कथन इसमें कह रहा है आपसे, पहला कथन कह रहा है कि यह दोहा विकास एजेंडा ट्रिप्स से समझौते की पिति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। दूसरा कह रहा है औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन के लिए केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है, और इसमें उपयुक्त कथनों में से सही कथन चुनना है, यानी कि इन दोनों कथनों में से सही कथन आपको देखना है। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो याद रखिए इसमें आपके दोनों कथन बिल्कुल सही है। क्या है? दोनों कथन बिल्कुल सही है आपके। इसमें आपके एक और दो दोनों कथन है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। समझ रहा है? कॉपी राइट आप लोग सुनते रहते हैं, उसी की बात की जा रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 35। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता है। अब आप देख रहे हैं ना, यहाँ नहीं किया जा सकता है। बताइए। ए ऑप्शन है इसमें घड़ियाल का, भारतीय जंगली गधा का, जंगली भैंस का। तो याद रखिए इसमें आपके तीनों का नहीं किया जा सकता है। अगर करोगे तो आप देखिए कि एक तरह से आपकी ये सभी वन्य जीव अधिनियम के तहत संरक्षित अनुसूचित जानवर हैं, इनकी सुरक्षा की बात की गई है, ठीक है, और आपको कुछ एक तरह से जुर्माना भी लगाया जा सकता है, कुछ सजा भी हो सकती है अगर आप इनका क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो जरूर याद रखिएगा इनके बारे में, 1972 का एक्ट, क्योंकि आप देखिए जितना इस पृथ्वी पर आपका अधिकार है उतना ही आप देखिए कि सभी का अधिकार है। किसका? सबका। उनकी बात कर रहा हूँ, जानवरों की, ठीक है। भारत सरकार ने 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था, और इसका मकसद यही था कि वन्य जीव के अवैध शिकार, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाई जा सके। और इसमें आप देखेंगे कि 2003 में संशोधन भी किया गया था, और इसका नाम बदल के भारतीय वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 रखा गया था इसका नाम। और इसके तहत आप देखेंगे दंड और जुर्माने को और कठोर बनाया गया था, क्योंकि आप देखिए हाथी दांत हो, शेर की खाल हो, टाइगर के दांत हो या खाल हो, हड्डी हो, इनका बड़ा व्यापार होता था, समझ रहे हैं, अवैध व्यापार, शिकार कर देते थे। और आप देखते हैं इसीलिए हाथी हो, टाइगर हो, शेर हो, इनकी संख्या में भारी गिरावट भी देखने को मिलेगी। आप लोगों ने कानून में 6 अनुसूचियां भी शामिल हैं, अगर थोड़ा टाइम लगेगा बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में आप देखेंगे इसके द्वितीय भाग वन्यजीव को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करते हैं,
और इसके तहत अपराधों के लिए कड़ा दंड तय किया गया। और अगर अनुसूची एक अनुसूची दो में जो बात कही गई वन्य जीव, यानी कि एक तरह से आप सोचिए कि जो भी आपके जीव हैं उनकी सुरक्षा की बात की गई, अगर इनका आप लोग उल्लंघन करते हैं तो कड़ा दंड दिया जाएगा, ठीक है। और अनुसूची 3 और 4 इसके तहत अगर आप देखें तो वन्य जानवरों को संरक्षण प्रदान किया गया, लेकिन इस सूची में आने वाले जानवरों पक्षियों के शिकार पर दंड बहुत कम रहेगा, ठीक है। यानी कि दंड तो रहेगा लेकिन कम रहेगा। अनुसूची 5 में इस सूची में उन जानवरों को शामिल किया गया है जिनका शिकार हो सकता है। 6ठी अनुसूची की बात करें तो इसमें आप देखेंगे दुर्लभ पौधों और पेड़ों पर खेती और रोपण की पर रोक लगाई गई, ठीक है, तो याद रखिएगा। और इनकी सजा की बात करें तो न्यूनतम सजा आप देखेंगे कि इस कानून के तहत 3 साल की हो सकती है, अधिकतम सजा 7 साल की हो सकती है, न्यूनतम आर्थिक दंड 10,000 का हो सकता है, अधिकतम आर्थिक दंड आप देखें 25 लाख का हो सकता है। तो ये जागरूक रहा करिएगा, ठीक है, मालूम चला कि कुछ लेने के देने पड़ जाए कहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? अब आपको कहा था ना कि मूल कर्तव्य आपके दिए गए संविधान के भाग 4 काम है, तो उसी की बात करें। 1942 में आप देखते हैं जो आपका, माफ करिए, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसी के तहत इन्हें जोड़ा गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज भी कहते हैं आप लोग, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। चलिए तो इसमें आप देखिए कौन कौन से शामिल हैं, बताइए कुछ। देखिए 11 शामिल हैं अभी टोटल, लेकिन आपको एक बात बता दूं, आप सभी जानते हैं कि आपके कई बार क्या होता है कि आपकी जो क्या MBPSC हो गया, इनमें कभी कभी 3 नंबर 6 नंबर में क्वेश्चंस पूछ लेता है आपसे। अगर आपसे ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य लिखने के लिए आता है, मुख्य परीक्षा की बात कर रहे हैं, और आपको सभी क्लियर आते हैं एक एक पॉइंट के साथ, तभी आप लोग नंबरिंग देकर उन पॉइंटों को लिखना। अगर आपको सभी का क्रम याद नहीं है और सभी याद नहीं है तो आप लोग डैश लगा लगा के लिखना, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और आप सभी को मालूम होगा कि सरदार जो स्वर्ण सिंह समिति थी इसकी अनुशंसा पर इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इसे आप देखेंगे उस समय जो रूस, जिसे आज आप लोग रूस कहते हैं ना, उस समय सोवियत संघ कहते थे, उससे लिया गया था। और ये सभी आप देखेंगे इंदिरा गांधी के समय की बात हो रही है। और ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, बड़ी संख्या में आप देखेंगे आर्टिकल हो अनुच्छेद हो, इनमें संशोधन भी किया गया था, तो इसमें आप लोग देखना। अगर 11 की ही हम लोग बात करें तो पहले मौलिक कर्तव्य में आप देखेंगे कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। अगर दूसरे आपके मौलिक अधिकार के मौलिक कर्तव्य की बात करें तो दूसरा मौलिक कर्तव्य कहता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा आपका मौलिक कर्तव्य कहता है कि भारत की प्रभुता, संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। और मौलिक कर्तव्य 4 कहता है कि देश की रक्षा करें। 5 कहता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। 6 कहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका निर्माण करें। 7 कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें। 8 कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। 9 कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। आप देखते हैं ना कि आपको एक तरह से आप कहते हैं कि आंदोलन करने की आपको छूट है, आपका मौलिक अधिकार है, तो देखिए आपका मौलिक अधिकार ठीक है, लेकिन आप जाके सरकारी संपत्ति को तोड़ फोड़ करने लगें तो देखिए आपका मौलिक कर्तव्य भी है और वहाँ आपके मौलिक अधिकारों पर एक तरह से पाबंद भी लगा दिया जाएगा। इतना भी आपको मौलिक अधिकार नहीं मिले हुए हैं कि आप देखें तो सरकारी संपत्ति को आग लगा दें। 10वां कहता है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और 11वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रदान करें। और याद रखिए जो 11वां आपका मौलिक कर्तव्य था, इसे आपका 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
और आप सभी लोगों को मालूम होगा कि आर्टिकल 21 का भी 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, शिक्षा के अधिकार की बात की गई थी, ठीक है, दूसरी की बात कर रहा हूँ, तो इन्हें जरूर याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति। और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और इसमें आप देखेंगे इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में तीन शब्द भी जोड़े गए थे, एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। क्योंकि आप देखेंगे कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। खैर आपने सब कुछ तो देख लिया इसमें, लेकिन पूछ क्या रहा था, इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है और दूसरा कह रहा है वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। क्या करना है? सही उत्तर चुनना है। कैसे चुनोगे? तो याद रखिए इसमें आपके दोनों बिल्कुल सही हैं, सी ऑप्शन होगा आपका। क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। राधाकांत देव, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष, गजलू लक्ष्मी नरसु चेट्टी, मद्रास महाजन सभा के संस्थापक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। उपयुक्त युग्मों में से कौन सही सम्मिलित है? बताइए इसमें से सही सम्मिलित कौन सा है? तो याद रखिए इसमें एक तो आपका बिल्कुल सही है और एक आपका तीसरा सही है, दूसरा आपका गलत है। देखिए एसोसिएशन की पहली समिति थी एक तरह से, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष भी राधाकांत देव थे, और इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो राधा काली कृष्ण देव इसके उपाध्यक्ष थे और देवेंद्रनाथ टैगोर इसके सचिव थे, ठीक है। फिर आप देखेंगे अगर 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी, और इसमें आप देखेंगे तो एम वीर राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चारलू द्वारा की गई थी इसकी। और अगर आपसे इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक की बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, और इसकी स्थापना आप देखेंगे 1876 में की गई थी, ठीक है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ आप देखेंगे आनंद मोहन बोस भी थे इसमें शामिल। इसे पहला स्वीकृत राष्ट्रवादी संगठन भी माना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो इसमें याद रखिए आपका एक और तीन बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने 38। निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है, यानी कि शामिल नहीं है? इसमें पहला कह रहा है कि विचार की स्वतंत्रता, बी कह रहा है आर्थिक स्वतंत्रता, सी कह रहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डी कह रहा है विश्वास की स्वतंत्रता। तो याद रखिए आर्थिक स्वतंत्रता शामिल नहीं है, बाकी तीनों इसमें शामिल हैं। और जब आप लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, उद्देशिका पढ़ते हैं, तब आप लोगों को मालूम भी होगा, तो इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 39। क्या कह रहा है? भारतीय गुणवत्ता परिषद, गुणवत्ता नहीं गुणवत्ता परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। भारतीय गुणवत्ता परिषद भी इसे कहते हैं, QCIV, ठीक है, याद रखिए गुणता या गुणवत्ता। पहला कह रहा है कि QCI का गठन भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, और दूसरा कह रहा है कि QCI के अध्यक्ष
कि नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संस्तुतियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी कि इन दोनों कथनों में से आपको सही कथन बताना है। किसके बारे में? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, भारतीय गुणवत्ता परिषद के बारे में। तो एक तो आपको बता दूं कि इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। कब? 1997 में। और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। और इसमें याद रखिए, दोनों आपके कथन बिल्कुल सही हैं। क्या हैं? दोनों कथन इसके सही हैं। भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना भारत सरकार और भारतीय उद्योग जगत ने संयुक्त रूप से मिलकर की थी एक तरह से। और इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो राष्ट्रीय प्रमाणन ढांचे की स्थापना एवं संचालन करना और राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान के जरिए गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। तो इसमें आप लोग सी ऑप्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सी ऑप्शन लगाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में लघु वित्त बैंकों, इसे आप लोग SFB कहते हैं, को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है? बताइए इसमें क्या करोगे? इसमें आपको तीन कथन दिए गए, इनमें से आपको सही चुनना है। क्या करोगे? सही चुनना है। पहला कथन इसमें क्या कह रहा है? पहला कथन कह रहा है कि लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना। दूसरा कह रहा है लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना। और तीसरा कह रहा है युवा उद्यमियों को विशेषता ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। इन तीन में से आपको सही बताना है। तो याद रखिए, इसमें एक तो पहला सही है, एक आपका दूसरा सही है, लेकिन तीसरा आपका बिल्कुल गलत है। क्या है तीसरा? बिल्कुल गलत है। आपको बता दूं, ऋण के अलावा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है इसका। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय की स्थापना को प्रोत्साहन करने के लिए SFB की स्थापना की गई है। SFB, इसे आप लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी कहते हैं, छोटे छोटे बैंक्स। तो इसमें आपका और इनके काम की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें आप देखेंगे बुनियादी बैंकिंग सेवाएं जो भी होती हैं, इनकी इन्हें देने की इजाज़त दी गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि ग्राहकों को डिपॉजिट स्वीकार करना, या फिर आप देखिए कि लोन देना शामिल होता है। और इस बैंक को शुरू करने का मकसद ही, इन बैंकों को एक तरह से शुरू करने का मकसद ही यही था कि आबादी के उस हिस्से को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाना जो अभी तक बैंकों से दूर था। तो इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इकोनॉमी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो उसी से जुड़ा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 41, आवास और शहरी विकास पर एशिया पैसिफिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। इसमें पहला कथन आपसे कह रहा है कि प्रथम एशिया पैसिफिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन भारत में 2006 में संपन्न हुआ, जिसका विषय उभरती शहरी रूप नीति प्रक्रियाओं और शासन संरचना था। दूसरा कह रहा है कि भारत सभी वार्षिक मंत्री स्तरीय सम्मेलनों की मेजबानी ADB, APEC और आसियान की सहभागिता से करता है। और उपयुक्त कथनों में से सही कथन बताना है। तो इसमें एक बात आप लोग याद रखिए, इसमें आपके दोनों कथन बिल्कुल गलत हैं। क्या है? दोनों कथन बिल्कुल गलत हैं, यानी कि आपका ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। क्योंकि 2006 में नई दिल्ली में आप देखेंगे MPACMCHCHUD का विषय था 2020 तक एशिया प्रशांत में स्थायी शहरीकरण के लिए एक दृष्टि पर रखा गया था। और दूसरा सम्मेलन तेहरान ईरान में आयोजित हुआ था इसका। ठीक है, अगर आपसे अगर इसमें ADB के बारे में बात करें हम लोग, ये छोटे छोटे संगठन हैं, लेकिन इनसे भी कभी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आप लोग सुने होंगे, इसकी स्थापना आप देखेंगे 1975
दिसंबर 1966 में हुई थी, और फिलीपींस में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा, एडीबी बैंक भी कहते हैं इसे आप लोग। और एपीसी की बात करें अगर हम लोग, एपीईसी, तो इसे आप लोग एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी कहते हैं। और इसकी स्थापना की बात करें तो आप देखेंगे नवंबर 1989 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको मुख्यालय सिंगापुर में देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम लोग आसियान की बात करें तो ऐसे आप लोग एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशंस कहते हैं, एशियन नेशंस। और इसकी स्थापना की बात करें तो 8 अगस्त 1967 में हुई थी बैंकॉक थाईलैंड में, और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय आपको जकार्ता इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। तो इसमें याद रखिए डी ऑप्शन लगाओगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 42। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। क्या बनाता है, किसे क्रियाशील बनाता है? तो इसमें आप देखेंगे क्या देखेंगे, ए ऑप्शन कह रहा है कि साधारण पुरुषों और महिलाओं के बुद्धि और चरित्र को, बी कह रहा है कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, और सी कह रहा है गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, और डी कह रहा है समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। इसमें आप देखेंगे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, इसमें क्या रहेगा, ए ऑप्शन सही रहेगा। जो आप देखते हैं ना कि आप लोग वोट डालने को ही एक तरह से लोकतंत्र समझ लेते हैं, इसे ही केवल यही लोकतंत्र नहीं है, इसमें आप देखेंगे आपके फैसले का भी सम्मान हो, आपके अधिकारों का भी सम्मान हो, आपके अधिकार मिलें आपको, उससे देश को लोकतांत्रिक देश कहते हैं। ठीक है, केवल चुनाव करा लेना ये और वोट दे लेना ही लोकतंत्र नहीं होता है, आपकी स्वतंत्रता की भी एक तरह से सम्मान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, समानता, न्याय की न्याय भी मिले, तो इन्हें याद रखिएगा। इसमें आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 43। क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है एकीकृत भुगतान अंतरफेस्ट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को क्रियान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है? इसमें ये ऑप्शन आपका कह रहा है, क्या कह रहा है ये ऑप्शन, ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे, बी कह रहा है लगभग 2 दशकों में पूरी तरह भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी, और सी कह रहा है एफडीआई अंतर्वाह में भारी वृद्धि होगी, और डी कह रहा है निर्धन व्यक्तियों की उपदानों सब्सिडीज का प्रत्यक्ष अंतरण डायरेक्ट ट्रांसफर बहुत प्रभावकारी हो जाएगा। तो इसमें भी याद रखिए आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, इसमें ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होगा इसमें। 43 में क्या लगा हुए, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, ए ऑप्शन कैसा रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका 44। क्या कह रहा है 44 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन सिंगुलैरिटी स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? यानी कि कहने का मतलब ये कि इवेंट होराइजन सिंगुलैरिटी और स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल ये शब्द किससे संबंधित हैं? एक तरह से इनका कहना यही है, ए कह रहा है ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध, बी कह रहा है सूर्य और चंद्र ग्रहणों का अध्ययन, सी कह रहा है पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों का स्थापन, और डी कह रहा है पृथ्वी पर जीवित जीवों की उत्पत्ति और क्रम विकास। तो इसमें याद रखिए ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। इन्हें आप लोग विलक्षणता और घटना इच्छित ब्लैक होल आप लोगों ने सुना होगा, उससे जुड़ी हुई है। भौतिकी का मानक मॉडल सार्वभौमिक घटनाओं की व्याख्या करने का प्रयास भी करता है, और क्वांटम भौतिकी के संदर्भ में स्ट्रिंग सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग आप देखते हैं क्वांटम घटना को समझने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, क्या रहेगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 45, क्या कह रहा है? भारत में कृषि के संदर्भ में प्रयास समाचारों में आने वाली जीनोम अनुक्रमण जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक का आसन्न भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है? ए ऑप्शन कह रहा है विभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए अनुवांशिक सूचकों का अभिज्ञान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है यह तकनीक फसली पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करते हैं। और तीसरा कह रहा है इसका प्रयोग फसलों में पोषी रोगाणु संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर आपको चुनना है। बीटी कपास के बारे में सुना होगा, बीटी बैगन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो याद रखिए आजकल फसलों के बीजों में भी आप देखिए कि इनके डीएनए में भी आप लोग एक तरह से संशोधन कर सकते हैं। और आप सोचिए ऐसी आप लोग फसल बना सकते हैं या बन चुकी हैं कि आप देखिए कि सूखा वाले क्षेत्र में उन्हें कम पानी में भी वो उग जाएंगी, या फिर आप देखिए जहाँ सबसे ज़्यादा रोग लगता हो तो ऐसी फसल बनाकर भी वहाँ बो सकते हैं हम लोग कि उनमें कम रोग लगेगा। या आप सोचिए कि रोग जो भी जीव रहते हैं इस तरह के रोगाणु होते हैं उन्हें ख़त्म करने की भी क्षमता रखता है, तो ये भी है। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? तो इसमें याद रखिए तीनों आपके बिल्कुल सही कह रहा है, तीनों क्या है बिल्कुल सही है, तीनों बिल्कुल सही रहेंगे इसमें, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने 46। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि इन चार में से आपको संसदीय स्वरूप के शासन का लाभ बताना है, प्रॉफिट, क्या बताना है? प्रॉफिट बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है इसमें आपका कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। बी कह रहा है नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। सी कह रहा है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। और डी कह रहा है सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। तो इसमें आपका सी ऑप्शन रहेगा बिल्कुल, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहेगा। क्या लगाओगे? सी ऑप्शन लगाओगे इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका 47, क्या कह रहा है? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों के और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? यानी कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है अधिकार कर्तव्यों के साथ साथ सहसंबंधित हैं। बी कह रहा है अधिकार व्यक्तिगत हैं तथा समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं। सी कह रहा है नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार ना कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। डी कह रहा है राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य ना कि अधिकार महत्वपूर्ण है। इनमें से एक आपको चुनना है। तो याद रखिए पहला ही होगा इसमें सही, अधिकारों कर्तव्यों का एक जैविक संबंध है, और यदि दूसरे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो कोई अधिकार का आनंद नहीं ले सकता है। यानी कि आप देखिए कि आपको संगठन बनाने का की स्वतंत्रता दी गई, संविधान में आपका अधिकार दिया गया, आपको मौलिक अधिकार है, या बोलने का आपको मौलिक अधिकार है, और आप सोचिए कि आप अपने मौलिक अधिकार को समझते हुए कहें कि गाली देने लग जाए किसी को या आप शब्द बोलने लग जाए, तो यहाँ तो आप समझिए कि आपका मौलिक कर्तव्य भी जुड़ जाता है। और अगर आप लोग अपना एक तरह से इस तरह की गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, तब आपके मौलिक अधिकारों का पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, क्योंकि आप दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। आपके मौलिक अधिकारों की सीमा वहाँ तक होती है जहाँ तक कि दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, उसके सामने वाले के मौलिक अधिकारों का में हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 48। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? भारतीय
भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? मूल उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति के निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य। तो आप तो सभी को मालूम होगा कि ए ऑप्शन उद्देशिका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ए ऑप्शन आप लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है वो क्वेश्चंस? क्वेश्चन नंबर 49। यदि आप कोहिमा से कुट्टम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से यह होकर गुजरना होगा? तो आपको बता दूं, इसमें आप 7 राज्यों से होंगे गुजरेंगे। अगर आप लोगों को भारत का मैप याद होगा और सभी राज्यों की अवस्थिति मालूम होगी तो आप लोग बता भी सकते हैं। आप नागालैंड से चलेंगे, फिर असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और फिर आप तमिलनाडु जाएंगे, उसके बाद केरल कोट्टम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप 7 राज्यों को पार करना होगा। एक बार आप लोग अपने मैप, भारत के मैप को बड़े अच्छे से पढ़ लीजिएगा, किस राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से लगती है। ठीक है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में आ जाते हैं, कई बार बहुत ही साधारण क्वेश्चंस रहते हैं, अगर 1 से 2 बार पढ़ लोगे तो आराम से आप इनके आंसर भी दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50, ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 50, भारत की संसद किसके किसके किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आप लोगों ने इन सब के बारे में पढ़ा होगा, स्थगन प्रस्ताव के बारे में भी पढ़ा होगा और आप लोगों ने प्रश्नकाल के बारे में भी, अनुपूरक प्रश्न के बारे में भी। तो इसमें याद रखिए आपका तीनों होंगे, बिल्कुल क्या होंगे, तीनों होंगे। भारत की संसद स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल या अनुपूरक प्रश्न द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों यानी कि कामों के ऊपर नियंत्रण रख सकती है। डी ऑप्शन आपका। आप सभी को मालूम होगा कि स्थगन प्रस्ताव एक तरह से कोई महत्वपूर्ण मामला है, उसको उठाने के लिए लाया जाता है, और सांसद प्रश्न पूछकर या पूरक प्रश्न पूछकर कार्यपालिका को जवाबदेह बना ठहराते हैं। इस तरह से इसे भी मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण पाया जा सकता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए 51 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? इतिहास का क्वेश्चन सर, सुने हैं कि नहीं सुने? काकीनाडा, मट्टुपल्ली, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, नेल्लूरु। तो इसमें आप देखेंगे मट्टुपल्ली, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसमें। इंक्यावन में क्या लगाओगे? 51 में कि छोड़ दोगे? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, क्या कह रहा है 52 क्वेश्चन? भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यानी कि सही कथन के बारे में आपको चुनना है। क्या करोगे, कैसे चुनोगे? तो इसमें पहला कथन आपसे कह रहा है यह यूरोपीय संघ की पहल है, दूसरा कह रहा है यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, और तीसरा कह रहा है कि इसका संबंध विश्व संसाधन संस्थान यानी कि WRI और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद द्वारा किया जाता है। नीचे देगा कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है।
तो इसमें आप देखेंगे पहला बिल्कुल सही है और दूसरा भी बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा आपका बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप देखेंगे, क्या देखेंगे, जीसीडी के आधिकारिक भागीदार पृष्ठ पर डब्ल्यूआरआई और डब्ल्यूबीसीडी का कोई उल्लेख नहीं है, भले ही आप देखेंगे एफएओ या यूएनडीपी आदि जैसे कई अन्य संस्थानों का उल्लेख आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर इन संगठनों के बारे में मैं बात करूँ तो आपको बताऊँ, अगर यूरोपीय यूनियन के बारे में, तो इसकी पहले भी बात कर चुका हूँ कि इसकी स्थापना आप देखेंगे 1 नवंबर 1993 को हुई थी। इसमें आपको 27 सदस्य देखने को मिलेंगे, कितने, 27 मेंबर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसमें आप देखेंगे इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी यूएसए में देखने को मिलेगा। वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात करें हम लोग तो इसमें आप देखेंगे इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। ये छोटे छोटे संगठन हैं लेकिन महत्वपूर्ण संगठन हैं, याद रखा करिएगा इन्हें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तो बड़ा तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसमें आप लोग क्या लगाएंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा आपका। क्वेश्चन है आपके सामने 53, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्वतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे और दूसरा कह रहा है सर्वस्तवादियों की मान्यता थी कि दिग्विजय फिनोमिना के अवयव पूर्णता क्षणिक नहीं है अपितु आप व्यक्त रूप से में सदैव विद्यमान रहते हैं। उपयुक्त कथनों में से सही कथन आपको चुनना है। देखिए एक बात और पहले बोला हूँ कि एक काम करना है आपको, जो बुद्ध धर्म है और एक आपका जैन धर्म है, इन्हें आप लोग विस्तार से पढ़ लीजिएगा क्योंकि हर एग्जाम में इनसे आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते रहते हैं। आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मालूम भी मुझे लगता है चल गया होगा और नहीं चला तो चल जाएगा। तो इसमें केवल आप देखेंगे दूसरा कथन बिल्कुल सही है, पहला आपका गलत है, बी ऑप्शन आप लोग लगाएंगे, बौद्ध धर्म के संप्रदाय है। अगला क्वेश्चन है 54, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है। भूमध्य सागर से लगे हुए एक तरह से आप देश बता सकते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जब हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर की हुई थी तब तो आप लोगों ने देखा भी होगा इसे। और याद रखिए जब भी आप लोग विश्व का भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें आप लोग मैप का सहारा लेकर जरूर पढ़ा करिएगा, इससे रहता है क्या कि अवस्थिति उनकी मालूम चल जाती है और आप लोग एक बार देख लेते हैं तो इससे क्या रहता है कि सभी याद भी लंबे समय तक याद भी बना रहता है, इस तरह की अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आराम से उनका आंसर भी आप लोग दे पाते हैं। तो इसलिए जब भी पढ़ते हैं तो इन्हें देख लिया करिएगा, मेरा तो यही मानना है। तो इसमें आप देखेंगे आपका जॉर्डन भी शामिल है और आप देखेंगे लेबनान भी शामिल है और सीरिया भी शामिल है आपका, यानी कि आपका क्या रहेगा इसमें, जॉर्डन, जो लेबनान और सीरिया दो रहेंगे इसमें, ठीक है, 3 और 4, यानी कि सी ऑप्शन रहेगा आपका, भूमध्य सागर। जॉर्डन तो आपको बहुत दूर देखने को मिल जाएगा और ईरान भी आपको दूर ही देखने को मिलेगा, इसमें सीरिया आपका एक तो रहेगा, एक लेमनान आपका, 3 और 4। मैप में आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे इसे, ठीक है, सी ऑप्शन रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 55, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको सही कथन चुनना है। यह नीति आयोग का एक अंग है और वर्तमान में इसकी कॉर्पस 4 लाख करोड़ रुपए है,
कितना 4 लाख करोड़ रुपए है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको सही आंसर इनका देना है। तो इसमें याद रखिए, ना तो आपका एक सही है और ना ही दो सही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसमें क्योंकि आप देखेंगे 40 हजार करोड़ रुपए है, ना कि 4 लाख रुपए। कितना? 40 हजार। 40 हजार और 4 लाख में अंतर होता है। और इसे आप देखेंगे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का के तहत आता है, ना कि नीति आयोग के तहत। और आपको एक और बात बताता हूँ, आपने देखा होगा कि नीति आयोग के बारे में, ये नीति आयोग वही है जो आपका योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया हुआ था। और अगर हम लोग भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की बात करें तो इसकी स्थापना आप देखेंगे, जिससे आप लोग सेबी भी कहते हैं, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे दोनों आपकी बिल्कुल गलत थे। क्या थे? दोनों बिल्कुल गलत थे आपके, ना तो एक सही था ना ही दूसरा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 56। क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि सार्वभौम अवसंरचना सुविधा यानी कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ये कह रहा है एशिया में अवसंरचना के उन्नयन के लिए आसियान का उपकरण है जो एशियाई विकास बैंक द्वारा किए गए साख यानी कि क्रेडिट से वित्त पोषित है। बी कह रहा है गैर सरकारी क्षेत्र को संस्थागत निवेशकों की पूंजी का संग्रहण कर सकने के लिए विश्व बैंक का सहयोग है जो जटिल अवसंरचना सरकारी गैर सरकारी भागीदारियों की तैयारी और संरचना निर्माण को सुकर बनाता है। और सही कह रहा है OECD के साथ कार्य करने वाले विश्व के प्रमुख बैंकों का सहयोग है जो उन अवसंरचना परियोजनाओं को विस्तारित करने पर केंद्रित है जिनमें गैर सरकारी विनिवेश संग्रहित करने की क्षमता है। और डी इसमें कह रहा है कि अनकट UNCTAD द्वारा वित्त पोषित उपक्रम है जो विश्व में अवसंरचना के विकास को वित्त पोषित करने और सुकर बनाने का प्रयास करता है। तो इसमें आप लोग याद रखिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्यों रहेगा? इसे विश्व बैंक द्वारा देशों की बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया था। गैर सरकारी क्षेत्रों को संस्थागत निवेशकों की पूंजी का संग्रहण कर सकने के लिए विश्व बैंक का सहयोग है इसे जो जटिल अवसंरचना सरकारी गैर सरकारी भागीदारियों की तैयारी और संरचना निर्माण को सुकर बनाता है। यहाँ 3-4 शब्द और आपको संगठन देखने को मिलेंगे। एक तो आसियान के बारे में कई बार बात कर चुका हूँ, इसके बारे में फिर से बता देता हूँ आप कहें तो। इसे आप लोग एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कहते हैं और इसका मुख्यालय आप सभी जानते हैं कि जकार्ता इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में की गई थी। एक और आप लोग देखते हैं आसियान डेवलपमेंट बैंक के बारे में, इसी का एक तरह से आप कह सकते हैं संस्था है। और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय अभी आपको फिलीपींस में देखने को मिलेगा। और एक आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे? वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो विश्व बैंक के बारे में तो आप सभी को मालूम होगा, इस पर हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई थी। तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको यानी कि मुख्यालय Washington DC संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। OECD, इस पर भी देखिए हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई है। अगर OECD की बात करें अगर आपसे, तो इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 30 सितंबर 1961 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस में देखने को मिल जाएगा। पेरिस फ्रांस में, इसे भी याद रखिएगा। एक आप सुनते हैं UNCTAD, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अगर हम लोग इसकी स्थापना की बात करें तो 30 दिसंबर 1964 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। लेकिन 56 में आप लोग क्या लगाएंगे? बी ऑप्शन।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है और जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाता है वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है और उसी भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है और डी कह रहा है भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। बताइए इसमें, तो इसमें आप सभी को मालूम होगा कि भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है। अगर आप अपने क्षेत्र में आपके यहाँ मतदाता सूची में आपका नाम है और आपकी एज 25 साल हो चुकी है तो आप भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, समझ रहे हैं, और आप भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कैबिनेट में मंत्री बन सकते हैं और बनना चाहें तो बन जाइएगा। इसमें क्या बोल सकते हैं, बोलिए कि कुछ बोला जा सकता है। आप सभी को मालूम होगा कि इसमें अधिकतम लोकसभा सदस्यों की अगर हम बात करें तो इसमें अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है कितनी, 550। पहले 552 थी लेकिन आप देखिए एंग्लो इंडियन का प्रावधान खत्म कर दिया गया, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब आपके 550 देखने को मिलेंगे, वर्तमान में बात करें तो 543 हैं, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और अभी आप देखते हैं कि बीजेपी की सत्ता है, वर्तमान की बात कर रहा हूँ क्योंकि बीजेपी अच्छी खासी संख्या में जीती है चुनाव। और जो आप देखते हैं ना कि 530 आपके राज्यों से चुने जाते हैं इसमें और 20 सदस्य आप देखते हैं कि आपके केंद्र शासित जो प्रदेश हैं इनसे चुने जाते हैं और लोकसभा आपका भारतीय संसद का निचला सदन है, ठीक है, भारतीय संसद का निचला सदन है। फिर आपके मन में आएगा कि उच्च सदन कौन सा है, तो राज्यसभा है, क्या है, राज्यसभा है। और लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का रहता है लोकसभा सदस्य का, तो इसका 5 साल का रहता है, क्या रहता है, 5 साल का रहता है, ये भी याद रखिएगा। इस तरह के छोटे छोटे शब्द रहते हैं, छोटी छोटी बातें, लेकिन फिर भी याद रखना चाहिए, क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, ये बोल रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने 58। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन कह रहा है भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है हुआ है। दूसरा कह रहा है पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं और तीसरा कह रहा है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। और उपयुक्त इन तीनों कथनों को पढ़कर आपको सही कथन चुनना है। क्या करना है, सही कथन चुनना है। अब कैसे चुनोगे बताइए, कुछ आलू है तो इसमें आप देखेंगे, एक तो आपका पहला कथन बिल्कुल गलत है, दूसरा भी बिल्कुल गलत है, लेकिन तीसरा आपका सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल रहेगा। आपको बता दूं कि हिमालय लगभग सभी उत्तरी और उत्तर पूर्वी राज्यों में आपको देखने को मिल जाएगा और पश्चिमी घाट की बात करें तो ये केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात, इन सभी राज्यों में फैला हुआ है। और पुलिकट झील की बात करें तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में आपको देखने को मिल जाएगी, फैली हुई है, ठीक है, तो इसमें आप याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 59। जैव ऑक्सीजन मांग BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है, बताइए इसमें। ए ऑप्शन क्या कह रहा है इसमें, ए कह रहा है रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए, बी कह रहा है वन पारिस्थितिक तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए और सी कह रहा है जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए और डी कह रहा है उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिए। तो इसमें याद रखिए आपका सी ऑप्शन रहेगा, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए, ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 60। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन नंबर 60, बेहतर नगरीय भविष्य की दिशा में कारगर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावास की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से
कौन सा कथन सही है, इन तीनों कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। पहला कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावास को आज्ञापित किया गया और वह सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय ऐसे कस्बों और शहरों को समर्थित करे जो सभी को पर्याप्त आश्रय प्रदान करते हों। और तीसरा दूसरा कह रहा है इसमें इसके साझेदार सिर्फ सरकारें या फिर स्थानीय नगर प्राधिकरण ही हैं। और तीसरा कह रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावास सुरक्षित पेयजल और आधारभूत स्वच्छता तक पहुँच बढ़ाने और गरीबी कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के समान या समग्र उद्देश्य में योगदान करता है। तो इसमें सही क्या होगा बताइए, कुछ अंदाज़ा लगा पाओगे, क्या कर पाओगे, कुछ पता कर पाओगे? तो इसमें याद रखिए, एक तो आपका पहला कथन बिल्कुल सही है और एक आपका तीसरा बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। अब आप लोग कहोगे दूसरा गलत क्यों है? भारत को आप देखेंगे मार्च 2017 में सर्वसम्मति से अनहैबिटेट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और सरकार के साथ साथ इसमें आप निजी क्षेत्र के सभी स्तरों पर विधिवत भागीदारों, प्रासंगिक हितधारकों और शहरी अभिनेताओं के साथ सहयोग के माध्यम से यूएन हैबिटेट अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को नए शहरी एजेंडा और सतत विकास में एक तरह से लागू कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका दूसरा केवल गलत था और एक और तीन सही था। अब आपके यही बता देता हूँ आपको, यूएन के बारे में फिर से बता देता हूँ, आपका रिविजन होता रहेगा एक तरह से। इसे आप लोग यूनाइटेड नेशंस भी कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र भी कह लेते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में यूएसए में देखने को मिलेगा। ठीक है, बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपका रिवीजन होता रहे और आपके सामने जब भी क्वेश्चन आए तो आप बड़े अच्छे से उसका आंसर दे पाएँ। चलिए अगले क्वेश्चन, इसमें क्या लगाओगे तुम? एक तीन, यानी कि क्या बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। साठ में बी, चलिए 61 पर चलते हैं। 61 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क यानी कि NSQF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? NSQF के अधीन शिक्षार्थी साक्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है। दूसरा कह रहा है NSQF के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। कैसे चुनोगे सही बताइए कुछ। तो इसमें आप देखें, वैसे आपको बता दूं कि पहला कथन इसमें गलत है लेकिन दूसरा इसमें सही है। क्या है दूसरा? बिल्कुल सही है आपका, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQ के बारे में बात कर रहा हूँ। इसे आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क। तो इसमें आप लोग केवल दूसरा कथन बिल्कुल सही था। ठीक है, बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन हमारे सामने 62, भारतीय इतिहास के संदर्भ में दुर्ध शासन डायआर्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है बताइए? द्वैध शासन, आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा और खासकर अंग्रेजों का समय पढ़ा होगा तो आप लोगों को मालूम भी होगा क्या होगा, फ्रेंसी द्वैध शासन। चलिए इस पर पहला कथन क्या कह रहा है? केंद्रीय विधानमंडल का दो सदनों में विभाजन। बी कह रहा है दो सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना। सी कह रहा है दो शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना। और डी कह रहा है प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजित करना। तो इसमें क्या लगाओगे? डी ऑप्शन आपका रहेगा, प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजित करना। जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं
तो आप सभी जानते हैं कि इसे द्वैध शासन करते हैं, और इसमें आप देखेंगे ये देखा जाता है कि शासक अपने पद को आजीवन ग्रहण किया रहता है, और तथा वो इसे अपने पुत्र या सगे संबंधियों को सपोर्ट कर देता है, यानी कि उसके बाद उसके पास चला जाएगा। और एक तरह से आप देखिए, आज भी तो आप देखते हैं कि राजनीति में पिता के बाद पुत्र के पास चला जाता है, तो इसमें डी ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, खैर छोड़िए, आज की राजनीति अलग है। अगला क्वेश्चन है आपका 63, क्या कह रहा है? ए कह रहा है कि नेशनल कैरियर सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इन दोनों कथन को आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी कि सही कथन आपको चुनना है। तो पहला कथन कह रहा है कि नेशनल करियर सर्विस कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार का एक उपक्रमण है, यानी कि कार्यक्रम है। दूसरा कह रहा है कि नेशनल करियर सर्विस को देश के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के संवर्धन के लिए मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया है। तो इसमें आप देखेंगे पहला दो आपका गलत होगा, लेकिन दूसरा आपका बिल्कुल सही होगा, यानी कि इसमें बी ऑप्शन लगाएंगे आप लोग। अब आपके मन में आ रहा होगा कि पहला आखिर गलत क्यों है, तो आपको बता दूं कि जो नेशनल करियर सर्विस थी, जिसे आप लोग शॉर्ट में NCSB कहते हैं, इसकी शुरुआत की बात करें तो 20 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी, और याद रखिए यह है एक पंचवर्षीय मिशन मोड परियोजना है। और इसकी बात करें तो यह पोर्टल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन आता है, ना कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के। इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। और ये पोर्टल क्या करता है कि जो भी नौकरी पाने के इच्छुक लोग होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उन और नियोक्ताओं के बीच की दूरी को कम करने की दिशा में एक काम करता है। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन होगा, केवल दो। ये भी आपका करंट से ही जुड़ा हुआ है, और करंट को छोड़ा नहीं जा सकता है मुझे लगता है, और इसीलिए कह रहा हूँ कम से कम एक न्यूज़पेपर डेली डेली फॉलो करते रहा करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 64। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में समाचारों में आए दबाव युक्त परिसंपत्तियों के धारणीय संचरण पद्धति, यानी कि स्क्रीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रेचिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट, यानी कि S4A का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है, सबसे अच्छी व्याख्या एक तरह से करता है? इनका कहना यही है, तो इसमें कौन सा सही होगा बताइए कुछ। इसमें ए ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे? ए ऑप्शन कह रहा है कि यह सरकार द्वारा निरूपित विकास परक योजनाओं की पारिस्थितिकीय कीमतों पर विचार करने की पद्धति है। बी कह रहा है कि यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉरपोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम है, यानी कि योजना है। और सी कह रहा है यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बारे में सरकार की विनिवेश योजना है। और डी इसमें कह रहा है कि यह सरकार द्वारा हाल ही में क्रियान्वित इंसॉल्वेंसी एंड बैंकर करप्सी कोड का एक महत्वपूर्ण उपबंध है, बताइए इसमें कौन सा होगा? तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आपको बता दूं कि यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉरपोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की एक स्कीम है। और RBI के बारे में वैसे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, फिर भी बता देता हूँ। देखिए, RBI की स्थापना की अगर बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, अंग्रेजों के समय, और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। और RBI एक्ट की बात करें तो 1934 का जो RBI एक्ट था उसके अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। बैंकिंग क्षेत्र में बड़े पैमाने पर एक तरह से NPA के चल रहे मुद्दे के कारण संयुक्त ऋणदाता फॉर्म, या फिर आप लोग इसे S4A भी कहते हैं, उसी से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या लगाओगे? बी ऑप्शन लगाओगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 65, क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। उसके बाद विचार करोगे, उसके बाद सही आपसे कथन आपको चुनना होगा। कैसे चुनोगे सही? इसमें पहला कथन कह रहा है कि अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत करने हेतु जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन G20 समूहों के देशों की एक अनोखी पहल है। और दूसरा कह रहा है CCAAC मेथेन, काला कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बनों पर केंद्रित करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है बताइए, कौन सा इसमें लगाओगे? तो याद रखिए, इसमें पहला तो आपका बिल्कुल गलत है और दूसरा आपका बिल्कुल सही है, यानी कि बी ऑप्शन होगा। आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP और 6 देशों जिसमें आपका बांग्लादेश है, कनाडा था, घाना, मैक्सिको, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनके द्वारा एक तरह से आप कहेंगे अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक यानी कि CCAC को कम करने के लिए जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन शुरू किया गया था। ये कब की बात है? ये 2012 की बात है, ठीक है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 66, क्या कह रहा है 66 क्वेश्चन? ये कह रहा है कि भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशियन डाइपोल यानी कि जिसे आप लोग IOD भी कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि IOD परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। और इसमें दूसरा कथन कह रहा है कि IOD परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। कैसे चुनोगे सही उत्तर बताइए कुछ? तो इसमें याद रखिए, पहला कथन तो आपका बिल्कुल गलत बता रहा है, लेकिन दूसरा कथन क्या कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि आप देखेंगे IOD जिसे भारतीय नीनो के रूप में भी आप लोग जानते हैं, और ये क्या करता है कि समुद्र की सतह के तापमान का एक अनियमित दोलन है और जिसमें आप पश्चिमी हिंद महासागर को एक तरह से देखा जाता है उसी की घटना को। और दूसरे में आप देखेंगे कि IOD यानी कि आप देखेंगे इंडियन ओशियन डाइपोल परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। इसमें कोई दोहराए नहीं है, एल नीनो भी आप लोगों ने सुना होगा, उसी की बात कर रहा हूँ। IOD चलिए अगले इसमें क्या लगाओ कि इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है? क्वेश्चन है हमारे सामने 67, ये क्या पूछ रहा है? यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? और आप कहते नहीं कि नेता घड़ियाल की तरह आंसू बहा रहे हैं, तो इसका उदाहरण भी दिया जाता है काफ़ी। एक और उदाहरण दिया जाता है कि ये तो गिरगिटों की तरह रंग बदल रहा है। तो मुझे लगता है कि पशुओं को या जीवों को तो आप लोग बदनाम करते हैं, इंसान उससे आगे निकल चुका है। खैर छोड़िए, इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि भीतर कनिका मैंगो, बी कह रहा है चंबल नदी, सी कह रहा है पोलिकट झील और डी कह रहा है दीपर बील। तो याद रखिए इसमें चंबल नदी होगा, ये मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा बहती है, चंबल नदी की बात कर रहा हूँ। किसकी? चंबल नदी की। चंबल के भीड़ भी आप लोगों ने सुने होंगे, ग्वालियर के पास भेंड मोरेना, यहाँ सबसे ज़्यादा डाकुओं की सरदार थी, एक तरह से रहती है। और चंबल नदी आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है? और जाना पाओ ये इंदौर के पास आपकी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती है, ठीक है? ये भी याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश के धार हो, उज्जैन हो, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना, इन सभी जिलों से होकर जाती है, ये भी याद रख सकते हैं आप लोग।
और यमुना नदी में मिल जाती है, ये भी बता चुका हूँ। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं नदियों से। ठीक है, घड़ियाल गहरे मीठे पानी की आवासों में निवास करते हैं, बताया आपको। एक नाम और सुना होगा आप लोगों ने, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य, सुना है? तो इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए इसमें बी ऑप्शन लगा दीजिएगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 68, क्या कह रहा है 68? हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि प्रारंभी यानी कि इनॉगरल IONS भारत में 2015 में भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में हुआ था, और दूसरा कह रहा है कि IONS एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्र तटवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना चाहता है। उपयुक्त कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। क्या करना है, सही कथन का देखना है इसमें से। तो इसमें आप देखेंगे पहला कथन बिल्कुल गलत है आपका, दूसरा आपका बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उद्घाटन अगर हम लोग IONS की बात करें तो इसकी उद्घाटन 2008 में नई दिल्ली में भारत में आयोजित किया गया था एक तरह से, और भारतीय नौसेना को 2008 से लेकर 2010 की अवधि के लिए अध्यक्ष बनाया गया था इसका। ठीक है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इनसे भी आजकल क्वेश्चंस इस तरह के पूछ लेता है। और हाँ, जो आपके होते हैं ना, वो क्या, किसकी बात कर रहा हूँ, नौसैनिक अभ्यास, इन्हें भी आप लोग याद रखा करिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस आजकल काफ़ी संख्या में पूछ लेता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इसमें आप लोग बी ऑप्शन लगा देना। ठीक, क्वेश्चन है हमारे सामने 69, बोधिसत्व पदम पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रयाग चित्त चित्रकारी है जो अजंता में है, बादामी में है, बाग में है, एलोरा में है, ये सभी गुफाएं हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा तो इतिहास आपको याद भी होगा, तो याद रखिए अजंता में है ये, कहाँ है, अजंता में है। इनके बारे में भी अगर बात करें अजंता के बारे में, तो ये कहाँ देखने को मिलेगी, ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। इनकी अगर आपकी अवस्थिति की बात करें तो महाराष्ट्र की जो सह्याद्री पर्वतमाला है ना, इसी में आपको अजंता की गुफाएं देखने को मिलेगी, बौद्ध धर्म से भी जुड़ी हुई है, एक विश्व विरासत स्थल भी है, पता है? तो इसमें आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है आपके सामने 70, क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है, ये आपकी परंपराएं हो गई और ये आपके समुदाय हो गए। ठीक है, चलिया साहेब उत्सव सिंधियों का, नंदा राजा राजजात यात्रा गोंडों का, बारी बार करी संथालों का, ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित हैं, यानी कि सही सम्मिलित आपको इसमें देखना है, तो बताइए कौन सी होगी इसमें। तो याद रखिए कि इसमें पहली केवल एक सही है, बाकी दो और तीन बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, देखिए चलिया साहिब उत्सव ये सिंधियों से है। ठीक है, और आप देखेंगे जो नंदा राज जात यात्रा है, ये आपकी नंदा देवी राज जात यात्रा, ये उत्तराखंड में घरवाली और कुमाऊनी के लोगों के द्वारा का एक तरह से त्यौहार है। ठीक है, और अगर हम लोग वारकरी की बात करें, या ऐसे आप लोग वारकरी भी कह देते हैं, या फिर ऐसे आप लोग पंडरपुर वारी भी कहते हैं, ये मराठों द्वारा मनाया जाने वाला एक महाराष्ट्रीयन त्यौहार है।
ठीक है, ना कि संथालों का। तो इसमें आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, केवल एक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 71। ये कह रहा है कि निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है। आप देखते हैं कि कृषि के लिए जल बहुत ही आवश्यक होता है, और मुझे नहीं लगता है कि कृषि बिना जल की संभव है। और आप सोचिए कि अगर बिना जल के संभव होती तो बुंदेलखंड और बघेलखंड का और ये हाल ना होता। यहाँ आज दिन सुनते रहते हैं आप लोग कि यहाँ के किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, क्योंकि यहाँ के किसानों की स्थिति बहुत बुरी है। और याद रखिए, यहाँ देखिए आप लोग कि यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, बेतवा नदी निकली हुई है यहाँ से। आप देखिए कि इसमें पानी काफ़ी रहता है, और या फिर आप देखिए कि बरसात होती है तो उसे संचित किया जा सकता है, उसे रोका जा सकता है पानी को। लेकिन अब तो आप देखेंगे काफ़ी योजनाएं परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं, तो आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। तो इसमें पहला कथन कह रहा है कि भूमि की कम या शून्य जुताई, दूसरा कह रहा है खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, और तीसरा कह रहा है कि फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। नीचे दी गई कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसमें आप लोग याद रखिए, वैसे तीनों आपके बिल्कुल सही हैं, या है तीनों बिल्कुल सही हैं। जुताई विभिन्न प्रकार की यांत्रिक आंदोलन द्वारा मिट्टी की कृषि तैयारी में, यानी कि जुताई, हिलाई, उलटना, इस तरह की। आप लोग अगर किसान होगे तो आपको मालूम भी होगा, क्या होगा मालूम भी होगा। बिना जुताई वाली खेती जीरो, जिसे आप लोग जीरो टेलेज या फिर डायरेक्ट ड्रिलिंग भी कहते हैं, साल दर साल बिना जुताई के माध्यम से मिट्टी को परेशान किए बिना फसल चारागाह उगाने का एक तरीका है। यह ऐसे आप लोगों को क्या कहते हैं, शून्य जुताई भी कहते हैं, ठीक है। और जीरो टेलेज मिट्टी की नमी संरक्षण में मदद भी करता है। और दूसरे में अगर आप देखेंगे कि खेतों में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग करके भी जल संरक्षण को कम किया जा सकता है। और इसमें आप देख सकते हैं, तीसरा कह रहा है कि फसल अवशेष को खेत में ही रहने देने, इससे क्या होता है कि खेत की मिट्टी के पानी के वाष्पीकरण को कम कर देता है। तो इसमें आपको ये तीनों बिल्कुल सही रहेंगे। अगर आप किसान परिवार से संबंध रखते होंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से इसे जानते होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। क्या कह रहा है पहला कथन? पहला कथन कह रहा है, इसमें राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम, सोशल हेल्थ कार्ड स्कीम, यानी कि का उद्देश्य क्या है। इनका कहना है कि राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है, क्योंकि आप समझिए कि कोई भी इस तरह की योजना आप लाते हैं, कार्यक्रम लाते हैं या कोई काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका कोई उद्देश्य तो होता है, तो उसी उद्देश्य की बात कर रहा है। तो इसमें पहला कथन कह रहा है कि सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, दूसरा कह रहा है कि मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाना, और तीसरा कह रहा है कृषि भूमि में उर्वरकों के प्रति के अति उपयोग को रोकना। इन तीनों कथन में से आपको सही कथन चुनना है। क्या करना है? सही कथन देखना है कि सही कथन कौन सा है। बताइए कुछ पता हो तो इसमें आप देखेंगे केवल तीसरा ही सही है, बाकी एक और दो बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जिसे आप लोग सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम भी कहते हैं, इसके तहत किसानों को जो कार्ड दिया जाता है उसमें खेत की जमीन की मिट्टी किस प्रकार की है इसकी जानकारी एक तरह से मिलती है। और आप सोचिए कि इसमें क्या फसल उग सकती है बेहतर, और इसमें क्या कमी है, कौन सी खाद मिलाना चाहिए, इन सब की जानकारी एक तरह से दी जाती है।
और जिससे किसान अपनी ज़मीन की मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर फसल लगा सकता है और अच्छी खेती कर सकता है। और आपको बता दूं कि मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार फसल उगाने से उत्पादकता क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की थी। कब? 2015 में। इसमें केवल आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इसकी मेन साइट भी बनी हुई है, वहां भी जाकर आप लोग देख सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 73। क्या पूछ रहा है? इनका कहना है कि निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है, सामान्यतः प्रयुक्त यानी कि उपभोक्त पदार्थ और उनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन। लिपस्टिक, इसे तो आप लोग जानते होंगे। सीसा, इसमें क्या? सीता, शीतल पेय, ब्रोमिनित वनस्पति तेल, चाइनीज फास्ट फूड, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है? बताइए इसमें सही सम्मिलित क्या है। तो इसमें आपके तीनों बिल्कुल सही है, तीनों सही सम्मिलित हैं। लिपस्टिक महिलाओं के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि सौंदर्य, यानी कि जो भी आप कह सकते हैं कह लीजिएगा। तो इसमें आप देखें कि शीशा पाया जाता है, जो आप देखेंगे एक तरह से आप अवांछनीय तत्व है, नुकसान भी पहुंचाता है। और इसमें शीतल पेय पदार्थ में बात करें तो आप देखेंगे इसमें ब्रोमिनित वनस्पति तेल पाया जाता है, और इसमें आप देखेंगे चाइनीज फास्ट फूड, इसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट भी पाया जाता है, और याद रखिए कि यह मैगी में भी पाया जाता है। तो इसमें आपकी तीनों बिल्कुल सही है। तो जितना से जितना कम हो सके उतना ही इनका उपयोग करिएगा, ना ज़रूरत हो तो मैं तो कहता हूँ मत करिएगा। जो प्रकृति ने बनाया हुआ है, ऊपर वाले ने बनाया हुआ है, उसी तरह रहिए, क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए खैर, 74वां क्वेश्चन है अगला। कार्बन प्रकाश उत्सर्जी डायोड, इसे आप लोग ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड यानी कि OLED का उपयोग बहुत से साधनों में अंकीय प्रदर्शन यानी कि डिजिटल डिस्प्ले सर्जित करने के लिए किया जाता है, और द्रव क्रिस्टल प्रदर्शों की तुलना में OLED प्रदर्श किस प्रकार लाभकारी है? एक पहला ऑप्शन इसमें कह रहा है OLED प्रदर्श नम्य प्लास्टिक अवस्तरों पर संविरचित किए जा सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि OLED के प्रयोग से वस्त्र में अंतः स्थापित ऊपरी विलीनीय प्रदर्शन यानी कि रोल्ड अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि OLED के प्रयोग से पारदर्शी प्रदर्शन या प्रदर्श संभव है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। क्या करना है? सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए इसमें आपके तीनों कथन बिल्कुल सही है। क्या है? तीनों कथन आपकी बिल्कुल सही है। क्या लगाओगे इसमें? इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्या? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 75। निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है कौन सा है? सूर्य मंदिर आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है तो सुन लीजिए। इसमें पहला कह रहा है अरसवल्ली, दूसरा कह रहा है अमरकंटक, और तीसरा कह रहा है ओंकारेश्वर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए केवल अरसवल्ली है इसमें। क्या है? अरसावल्ली यानी कि अरसवल्ली सूर्य मंदिर आंध्र प्रदेश की अरसावल्ली में आप देखेंगे 7वीं सेंचुरी यानी कि 7वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है, और ओंकारेश्वर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है, ठीक है। और अमरकंटक आप जानते हैं मध्य प्रदेश में पड़ता है, अमरकंटक की पहाड़ियाँ भी देखी होगी आप लोगों ने, नर्मदा ताप्ती यहीं आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें केवल आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 76। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, लोकसभा अथवा राज्यसभा राज्य की
विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। दूसरा अगर है कि भारत के संविधान में अधिक कथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो इसमें आप देखेंगे दोनों कथन बिल्कुल गलत हैं। अब आप कहेंगे गलत क्यों है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र यानी विधानसभा क्षेत्र या फिर विधानसभा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र या फिर विधानसभा क्षेत्र, आपने देखा होगा कि यहाँ जो विधायक चुने जाते हैं या लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके क्षेत्र में अगर 100 वोट हैं तो उन्हें 51 वोट जरूरी होते हैं, ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। आप सामान्यतः देखते होंगे कि आपके यहाँ अगर जिससे सबसे ज़्यादा वोट मिलते होंगे वही चुन लिया जाता है, चाहे 100 वोट में से आप सोचिए कि एक को 25 वोट मिलें और बाकी को आप देखिए 20, किसी को 14, किसी को 18 इस तरह से मिल जाए, सबसे ज़्यादा जिससे वोट मिले होंगे वही लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य बनेगा। इसे आप लोग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा बहुमत वोट निर्वाचित होने के लिए पर्याप्त होता है एक तरह से, ठीक है। और भले ही ये कुल मतदान से यानी कि 50% से कम भी हो तो कोई इसका फर्क नहीं पड़ता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये आप लोगों को। और स्पीकर, अगर हम डिप्टी स्पीकर यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें तो इसका चुनाव आप देखेंगे सदन के द्वारा किया जाता है, जो सदन में सदस्य होते हैं ना उन्हीं के द्वारा किया जाता है। और यह एक परंपरा है, संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ये सामान्य याद रखिए, बड़े ध्यान से सुनिए, यह एक परंपरा है ना कि संवैधानिक प्रावधान है। आमतौर पर अध्यक्ष का पद बहुमत दल को मिलता है और उपाध्यक्ष का पद आप देखेंगे विपक्ष के पास होता है। याद रखिए इसका उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि एक परंपरा है, परंपरा आप देखते हैं कभी भी टूटती रहती है, ठीक है। अगर संवैधानिक प्रावधान होता तो ज़रूर आपको ये परंपरा ना टूटती, ये जो संविधान में लिखा होता उसी बात को मानना पड़ता। तो इसमें डी ऑप्शन होगा, ना तो एक सही था ना ही दूसरा सही था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 77 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ या हुए हैं बताइए। इनमें आपको चार नीचे ऑप्शन भी दिए गए हैं और इनमें से चार में से आपको चुनना भी है, सही क्या करना है, सही आंसर देखना है। तो इसमें पहला कथन कह रहा है कि इसमें जीडीपी में कृषि का अंश बेहद रूप से बढ़ गया, दूसरा कह रहा है विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया, और तीसरा कह रहा है FDI का अंतर्वाह यानी कि इनफ्लो बढ़ गया, और चार कह रहा है भारत का विदेशी विनिमय भंडार बेहद रूप से बढ़ गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे एक तो आपका दूसरा बिल्कुल सही है, तीसरा बिल्कुल सही है और चौथे नंबर का बिल्कुल सही है, पहला इसमें गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप देखेंगे यह है आपका 1991 के बाद कम हो गया है। क्या जीडीपी में कृषि का अंश बेहद रूप से बड़ा नहीं है, बल्कि 1991 के बाद आप देखेंगे कम होता दिखाई दिया है, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिए, बाकी तीनों आपके सही हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इसमें क्या होगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इकोनॉमी पढ़े हो कि नहीं पढ़े, अर्थव्यवस्था तो उसे पढ़ लीजिए, आपको मालूम भी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 78 क्या कह रहा है, कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुपयोग क्या है बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है जैव डिम्ब नासी का उत्पादन, बी कह रहा है जैव निम्नीकरण प्लास्टिक का निर्माण, और सी कह रहा है जंतुओं की जननीय क्लोनिंग, और डी कह रहा है रोग मुक्त जीवों का उत्पादन। तो याद रखिए इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। दैहिक कोशिका क्लोनिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक दैहिक कोशिका के नाभिक यानी कि DNA को एक नए व्यक्ति की पीढ़ी के लिए स्थानांतरित किया जाता है, जो अनुवांशिक रूप से दैहिक कोशिका दाता के बिल्कुल समान होगा, बिल्कुल कॉपी होगा, ठीक है, क्लोनिंग फोटोकॉपी एक तरह से आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 79 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, क्या करना है, विचार करना है। दो कथन आपको सामने दिए गए,
पहला इसमें कथन कह रहा है आपसे, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है। और दूसरा कह रहा है NPCI ने एक कार्ड भुगतान स्कीम यानी कि रुपे प्रारंभ की है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है बताइए कुछ। तो याद रखिए इसमें आपके दोनों बिल्कुल कथन सही है, क्या है, दोनों कथन बिल्कुल सही है यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये आप देखेंगे तो 19 दिसंबर 2008 में शुरू किया गया था और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। कहाँ, मुंबई में देखने को मिलेगा। और इसके फाउंडर्स की बात करें तो आप देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी एक तरह से, ठीक है। तो इसमें आप लोग सी ऑप्शन लगा देना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 80, MSTRIPES शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है, बताइए किस संदर्भ में देखा जाता है। इसमें पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे, पहला ऑप्शन कह रहा है कि वन प्राणीजात का बद्ध प्रजनन, बी कह रहा है बाघ अभयारण्यों का रखरखाव, और सी कह रहा है स्वदेशी उपग्रह दिग्चालन प्रणाली, और डी कह रहा है राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा। तो इसमें आप देखेंगे इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बाघ अभयारण्यों का रखरखाव। एंड्रॉयड आधारित निगरानी सॉफ्टवेयर M-STEPS का उपयोग देश के सभी टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है। वैसे आप लोगों ने जब टाइगर यानी कि बाघ की जनगणना होती है उस समय काफ़ी चर्चा में भी रहा था। M-STEPS मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेस का शब्द एक तरह से इसे पूरा नाम यही कहा जाता है। बाकी जनगणना 2018 में हुई थी आपको याद है, और 29 जुलाई को आपको मालूम होगा कि बाघ संरक्षण के लिए एक तरह से जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी मनाया जाता है। इसकी शुरुआत आपने देखी होगी 2010 में की गई थी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की। और आप देखेंगे अभी भारत में अगर हम लोग 2018 की गणना के अनुसार बात करें तो 2967 बाघ देखने को मिलेंगे, कितने 2967 यानी कि 2967 देखने को मिलेंगे। और इसमें अगर आपसे पूछे भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा है तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश में 526 देखने को मिलेंगे। उसके बाद कर्नाटक में आप लोग 524 देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद आप उत्तराखंड में 442 हैं, तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे मध्य प्रदेश में। और इसीलिए आपको मालूम भी होगा कि मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है हमारे सामने 81, वस्तु एवं सेवा कर जिसे आप लोग GST भी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के क्रियान्वयन किए जाने का सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है, यानी कि GST के लाभ आपको पूछ रहा है, बताइए इसके बारे में कुछ मालूम हो तो, अगर नहीं मालूम हो तब भी बताइए। इसमें पहला कथन कह रहा है कि यह भारत के बहुप्राधिकरणों द्वारा वसूल किए जाने जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित करेगा। दूसरा कह रहा है कि यह भारत के चालू खाता घाटे को प्रबलता से कम कर उसके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु उसे सक्षम बनाएगा। तीसरा कह रहा है यह भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि और आकार को बेहद रूप से बढ़ाएगा और उसे निकट भविष्य में चीन से आगे निकल जाने योग्य बनाएगा। नीचे दी गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है, कैसे चुनोगे, GST ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था 2017 में। तो इसमें याद रखिए पहला आपका बिल्कुल सही है लेकिन दो और तीन बिल्कुल गलत है।
या भारत में बहुप्राधिकरणों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों यानी कि कई कर होते थे उनका स्थान लेगा। इस प्रकार एक कल बाजार स्थापित करेगा GST, और यह क्या करेगा कि लंबे समय में राजकोषीय घाटे को कम कर सकता है और बेहतर एक तरह से विदेशी निवेश माहौल के कारण CAD को अनुकूल रूप में रख सकता है, लेकिन अत्यधिक शब्द अतिवादी हो जाता है, समझ रहे हैं। और तीसरा भी ज़्यादा ही कुछ बोल दिया गया इसमें, यानी कि इसमें दोनों कथन गलत हैं आपके, लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा GST के बारे में, कि GST के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आजकल यही टैक्स है। तो इसकी अगर हम लोग वस्तु एवं सेवा कर की बात करें तो इसे लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को, और आपको बता दूं कि GST एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है, और यह निर्माता से लेकर उपभोक्ताओं तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाला एकल कर है। और GST के अंतर्गत आपने देखा होंगे विभिन्न तरह के कर शामिल हो चुके हैं, सभी उसके अंदर आ चुके हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, काउंटर वेटिंग बेलिंग ड्यूटी, इस तरह के जो अप्रत्यक्ष कर शामिल हुआ करते थे उन्हें अब GST में ला दिया गया, ठीक है। राज्यों में आप सुनते होंगे मूल्यवर्धन कर, मनोरंजन कर, चुंगी तथा प्रवेश कर, विलासिता कर, ये सभी भी इसी में GST में आपके शामिल हो चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें आपका केवल पहला कथन सही था, बाकी 2 और 3 गलत थे, यानी कि ए ऑप्शन इस पर सही होगा इसमें, ठीक है, ए ऑप्शन लगा देना। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 82, व्यापक आधारयुक्त व्यापार और निवेश करार कभी कभी समाचारों में भारत और निम्नलिखित में से किस एक के बीच बातचीत के संदर्भ में दिखाई पड़ता है, बताइए कुछ। ए ऑप्शन इसमें कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, यूरोपीय संघ, बी कह रहा है खाड़ी सहयोग परिषद, सी कह रहा है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, और डी कह रहा है संघाई सहयोग संगठन। तो याद रखिए यूरोपीय संघ होगा इसमें, लेकिन यहाँ आप देखेंगे चार आपको एक तरह से संगठन दिए गए हैं, तो इनके बारे में भी बता देता हूँ। यूरोपीय संघ की अगर हम बात करें, या जिसे आप लोग यूरोपियन यूनियन भी कहते हैं, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को की गई थी, और इसमें आप देखेंगे तो इसमें आप 27 मेंबर बचे हुए हैं, पहले 28 हुआ करते थे लेकिन अब 27 हैं, ठीक है। अगर दूसरे हम लोग गल्फ कोऑपरेशन और काउंसिल की बात करें, यानी कि खाड़ी सहयोग परिषद की बात करें, तो इसकी स्थापना 25 मई 1981 को की गई थी अबू धाबी में, UAE में, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो रियाद सऊदी अरब में आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की बात करें, यानी कि जिसे आप लोग हिंदी में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन भी कहते हैं, तो इसकी स्थापना 30 सितंबर 1961 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस में देखने को मिलेगा। और एक अंतिम संगठन बचता है आपका संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना आपकी 15 जून 2001 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको बीजिंग चाइना में देखने को मिलेगा, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन का। तो इसमें आपका ये ऑप्शन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 83, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, क्या करना है, विचार ही करोगे और क्या कर सकते हो। तो इसमें पहला कथन आपसे क्या कह रहा है, पहला कथन कह रहा है कि भारत ने WTO के व्यापार सुकर बनाने के करार को का अनुसमर्थन किया है, और दूसरा कह रहा है TFA WTO के वाली मंत्री स्तरीय पैकेज 2013 का एक भाग है, और तीसरा कह रहा है TFA जनवरी 2016 में प्रवृत्त हुआ था। उपयुक्त कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। तो इसमें पहला एक तो आपका बिल्कुल सही है, एक आपका दूसरा सही है, लेकिन तीसरा गलत है,
क्योंकि आप देखेंगे ये फरवरी 2017 में लागू हुआ था, ना कि जनवरी 2016 में। कब हुआ था ये लागू? फरवरी 2017 में, ठीक है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ भी दो संगठन आए हुए हैं, तो इनके बारे में भी बता देते हैं और WTO के बारे में भी बता देते हैं, इनसे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी, और इसमें मेंबर की बात करें, सदस्यों की बात करें, तो 164 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे, और इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। कहाँ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ये ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 84, भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्व है? चाबहार बंदरगाह आप लोगों ने सुना है, ईरान में हम लोगों ने इसका विकसित कर रहे हैं। तो इसका पहला कथन कह रहा है कि अफ्रीकी देशों से भारत के व्यापार में अपार वृद्धि होगी। बी कह रहा है तेल उत्पादक अरब देशों से भारत के संबंध सुदृढ़ होंगे। सी कह रहा है अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंच के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। और डी कह रहा है पाकिस्तान और ईरान और भारत के बीच गैस पाइपलाइन का संस्थापन सुकर बनाएगा और उसकी सुरक्षा करेगा। तो इसमें आप देखेंगे क्या होगा, इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन आपको बता दूं कि हम लोग ये क्वेश्चंस कब देख रहे हैं, 2021 में देख रहे हैं, और आप सभी जानते हैं कि तालिबान ने कब्जा कर लिया है कहाँ, अफगानिस्तान पर। तो अभी हम लोगों ने जिस उद्देश्य से इसका एक तरह से इसका गठन किया हुआ था, यानी कि इसे बना रहे थे हम लोग, इस बंदरगाह को विकसित कर रहे थे, तो इसके उद्देश्य पर आप देखिए प्रश्न चिन्ह लगता दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि आप सोचिए कि तालिबान से हमारे संबंध कभी नहीं रहे हैं, तो जब तक हमारे तालिबान से समझौता नहीं होता है, बात नहीं होती है, तब तक आप सोचिए इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। और याद रखिए ईरान में एक तरह से बनाया जा रहा है इसे विकसित किया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य यही था कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंच के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर ना रहना पड़े, क्योंकि आप देखते हैं कि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते हमेशा लगभग बुरे ही बने रहते हैं, और हम उसकी भूमि का उपयोग भी नहीं कर सकते हैं आने जाने के लिए। तो इसलिए हम लोग एक वैकल्पिक मार्ग ढूंढ लिया था हम लोगों ने, कि हम लोग पहले कहाँ, ईरान जाएंगे, और ईरान से हम लोग मध्य एशिया या फिर अफगानिस्तान आराम से पहुंच बना सकते हैं वहां से। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 85। क्या कह रहा है 85 क्वेश्चन? भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किन के लिए विधिवत अधिदेशात्मक है? सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर, डेटा सेंटर, कॉरपोरेट निकाय, बॉडी कॉरपोरेट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए इसमें आपके तीनों बिल्कुल सही हैं। क्या है? इन तीनों का एक तरह से उत्तरदायित्व भी है। क्या है? तीनों बिल्कुल सही हैं। और CRT अधिनियम भी आप लोगों ने सुना होगा, और ये नियम उचित समय के भीतर साइबर घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए सेवा प्रदाताओं, मध्यस्थों, डेटा केंद्रों और निकाय कॉरपोरेटों पर एक दायित्व भी लगाते हैं कि आप लोग इन्हें उपलब्ध करवाइए एक तरह से। इसमें क्या लगाओगे? डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 86। भारत में मताधिकार निर्वाचित होने का अधिकार है, मूल अधिकार, नए सर्गे के अधिकार, संवैधानिक अधिकार और विधिक अधिकार। बताइए क्या है इसमें? तो ये आपको बता दूं कि विधिक अधिकार है। क्या है? विधिक अधिकार है। वैसे आपको बता दूं कि संवैधानिक अधिकार भी आपने देखा होगा कि है, लेकिन इसमें विधिक अधिकार लगाएंगे। इसमें आप देखें तो हालांकि संविधान में आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 324 में तो आपने देखा होगा कि आपका चुनाव आयोग की बात की गई है राष्ट्रीय स्तर पर, भारत निर्वाचन आयोग की। लेकिन आर्टिकल 326 वयस्क के मताधिकार प्रदान करता है, जिसका अधिकार होता है
जिसका अर्थ होता है कि मतदान का अधिकार। आप देखते हैं कि अगर आपकी एज 18 साल की हो चुकी है तो मतदाता सूची में आपका नाम भी जुड़ चुका होगा, और दूसरी बात, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे एक लोकतांत्रिक संविधान अपना सार खो देगा अगर ये उपलब्ध ना करवाए तो, उसका मतलब भी नहीं रहेगा। तो ये भी रहा है। एक सुप्रीम कोर्ट का एक याद रखिए एक फैसला आया हुआ था जिसे आप लोग PUCL कहते हैं, PUCL बनाम भारत संघ 2015। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यह याद रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि यह वैधानिक अधिकार लोकतंत्र का सार है और इसके बिना लोकतंत्र नहीं पनप सकता है, और इसलिए भले ही वोट देने का अधिकार वैधानिक हो लेकिन अधिकार आपका बहुत महत्वपूर्ण है और संविधान से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 87। विकसित लेजर व्यतिकरण मापी अंतरिक्ष एंटेना, इसे आप लोग ई लिसा भी कहते हैं, परियोजना का क्या प्रयोजन है? इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटेना, ए ऑप्शन कह रहा है कि न्यूट्रॉनों का संसूचन करना, बी कह रहा है गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना, और सी कह रहा है प्रक्षेपणास्त्र का रक्षा प्रणाली की प्रभावकारिता का संसूचन करना, और डी कह रहा है हमारी संचार प्रणाली पर सौर विज्वाल सोलर फ्लेयर के प्रभाव का अध्ययन करना। तो इसमें किससे क्या लगा हुआ है चार में से, बताइए कुछ। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, गुरुत्वीय तरंगों के संसूचन करना इसका एक तरह से उद्देश्य है। इलिसा या फिर आप लोग इसे क्या कहते हैं, विकसित लेजर व्यतिकरण मापी अंतरिक्ष एंटेना, इसके उद्देश्य की प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो कई आकाशगंगाओं के केंद्र में रहने वाले सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा जो उत्सर्जित गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए इसका एक तरह से उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 88। विद्यांजलि योजना का क्या प्रयोजन है? विद्यांजलि योजना आप लोगों ने सुनी है, उसी की बात कर रहा हूँ। इसमें तीन कथन दिए गए, इनमें से आपको बताना है सही। इसमें पहला कथन कह रहा है आपसे कि प्रसिद्ध विदेशी शिक्षण संस्थाओं को भारत में अपने कैंपस खोलने में सहायता करना। दूसरा कह रहा है निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। और तीसरा कह रहा है प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की आधिकारिक संरचना सुविधाओं के संवर्धन के लिए निजी व्यक्तियों और संगठनों से ऐच्छिक वित्तीय योगदान को प्रोत्साहित करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसमें आप याद रखिए दूसरा सही है, बाकी एक और तीन बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। अब आप कहेंगे कि गलत क्यों है? विद्यांजलि योजना, ये अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहते होंगे तो मुझे लगता है कि मालूम भी होगा आपको। क्या होगा? मालूम भी होगा विद्यांजलि योजना के बारे में। विद्यांजलि, इसमें आप देखिए इस कार्यक्रम की परिकल्पना उन लोगों को एक साथ लाने के लिए की गई है जो उन स्कूलों में स्वेच्छा से अपनी सेवाएं देने की इच्छुक हैं, जिन स्कूलों को वास्तव में उनकी आवश्यकता है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वयं सेवकों की सेवाओं के माध्यम से सरकारी स्कूलों में सह शैक्षणिक गतिविधियों के कार्यान्वयन को मजबूत करना है। स्वयं सेवक संगठन के बारे में सुने हैं आप लोग? और आपको बता दूं कि ये योजना आपकी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा उस समय जारी की गई थी, और इसका लक्ष्य यही था कि हमारे देश में सरकारी प्राथमिक शालाओं में शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर बढ़ाया जाए। समझ रहे हैं? क्योंकि हमारे सरकारी स्कूलों की क्या हालत है ये आप सभी लोग बेहतर भी जानते हैं। तो इन्हें भी याद रखा करिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि केवल दो कथन बिल्कुल सही था। और इसमें क्या था कि जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं
वो जिस विषय की अच्छी पकड़ रखते हैं उसमें वो चुन सकते थे और अपना पढ़ा भी सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या करते। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने नवासी, क्या कह रहा है नवासी क्वेश्चंस। उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का धैर्य क्या है? आपकी जिंदगी में भी धैर्य का बहुत सारा महत्व है, पता है, धैर्य रखना बड़ी बात है। तो ए ऑप्शन कह रहा है कि इसमें स्वैच्छिक संगठनों और सरकारी शिक्षा तंत्र तथा स्थानीय समुदाय के बीच सहयोग का उन्नयन कर 100% साक्षरता प्राप्त करना। बी कह रहा है कि उच्च शिक्षा संस्थाओं को स्थानीय समुदायों से जोड़ना जिससे समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके। सी कह रहा है कि भारत को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी की शक्ति बनाने के लिए भारत की वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं को सशक्त बनाना। और डी कह रहा है इसमें आपका ग्रामीण और नगरीय निर्धन व्यक्तियों के स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए विशेष निधियों का विनिधान कर मानव पूंजी विकसित करना और उनके लिए कौशल विकास कार्यक्रम और व्यवसायिक प्रशिक्षण आयोजित करना। तो इसमें आप लोग याद रखिए, इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थानीय समुदायों से जोड़ना जिससे समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके। क्या किया जा सके? सामना किया जा सके। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, इनके द्वारा एक तरह से इसकी इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था, उन्नत भारत अभियान को। ये संस्थाओं के बारे में भी पूछ लेता है कि इसे किसके द्वारा चलाया गया था, उन्नत भारत अभियान को। फिर आपने देखा होगा कि 2018 में से उन्नत अभियान 2.0 भी शुरू किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। और पहली बार औपचारिक इसकी शुरुआत की बात करें तो 2014 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई थी, लेकिन इसमें सभी ये शामिल हैं, याद रखिए। तो इसमें आप लोग बी ऑप्शन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 90, क्या कह रहा है 90 क्वेश्चंस। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, क्या करना है? विचार करना है। और इसमें पहला कथन क्या कह रहा है आपसे? पहला कथन कह रहा है आपसे कि भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। दूसरा कह रहा है संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। और तीसरा कह रहा है निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो आपको बता दूं कि केवल इसमें तीसरा कथन सही है, बाकी 2 और 1 बिल्कुल गलत है। अब आप कहेंगे कि गलत क्यों है, तो इसकी भी एक कहानी है। क्या कहानी है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। और इसके पहले अगर हम पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो सुकुमार सेन थे। और आपको बता दूं कि इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। कहाँ? नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। और आप सभी ये भी जानते होंगे कि इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं, लेकिन जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसका कार्यकाल आप देखेंगे 6 वर्ष या फिर 65 साल होता है, जो भी पहले हो। और जो अन्य 2 चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 साल होता है, ये भी याद रखिएगा, ये भी आपसे। और आर्टिकल 324 आप सुने, इसमें व्यवस्था की गई है आपके निर्वाचन आयोग की, यानी कि चुनाव आयोग की, ये भी याद रखिएगा, याद रखना ही होगा ये। और याद रखिए 3 सदस्यीय है, ना कि 5 सदस्यीय, ठीक है। एक तो आपका मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। और इस संघ का गृह मंत्रालय नहीं करता है, बल्कि आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम हमारा चुनाव आयोग तय करता है। और याद रखिए ये मुख्य जो आपका राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव आयोग है, जैसे आप लोग भारत निर्वाचन आयोग भी कहते हैं, तो ये आपके देखिए लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति
विधानसभा विधान परिषद के चुनाव की व्यवस्था करता है, चुनाव आयोजित करवाता है, इनकी देखभाल करता है। लेकिन जो आपके स्थानीय चुनाव होते हैं, जैसे आप देखिए कि आपके सरपंच का या जिला पंचायत, या आप देखिए ब्लॉक प्रमुख या ब्लॉक एक तरह से जनपद सदस्य होते हैं कई जगह, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, इन सब के लिए आपके राज्य में, हर राज्य में अपना एक चुनाव आयोग होता है, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। तो इसमें केवल आपका तीसरा कथन सही था, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने 91, क्या कह रहा है? भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया तो इसका निहितार्थ क्या है? ऐसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को है, और भी कह रहा है इसका अब अन्य क्षेत्रों में अस्तित्व समाप्त हो गया है, कुछ प्राणी वन बंदी संरक्षण के अंतर्गत और अब इनके विलोपन को रोकना असंभव है, यह भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानिक है, और इस संदर्भ में उपयुक्त बी और सी दोनों सही है। बताइए इसमें कुछ बता पाओगे? तो इसमें याद रखिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। ऐसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जिसे बाघ को है, ठीक है, बाघ को है, और अगर इसका कोई एक तरह से आप देखिए शिकार करता है तो उसे दंड भी दिया जाएगा। और आप देखते हैं कि भारत में वन्यजीव अधिनियम के अनुसूची 1 के तहत, और वन्यजीव अधिनियम आपका 1972 की बात कर रहा हूँ, तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे इन्हें संरक्षण भी प्राप्त है, क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए जो भी प्राकृतिक संसाधन है, या आप सोचिए कि पर्यावरण है, या कहिए आप लोग पृथ्वी है, तो ये सब पर उनका भी उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा आपका है, ठीक है। तो इसमें आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 92, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब क्या है, इसका आशय क्या है? इसमें ए ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है? ए ऑप्शन क्या कह रहा है? ये ऑप्शन कह रहा है कि विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संविधानिकता के विषय में व्याख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। बी कह रहा है विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार। और सी है न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने की पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार। और डी कह रहा है न्यायपालिका का समान या फिर भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार। तो इसमें आप याद रखिए कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो। देखिए सरकारें होती हैं अस्थायी, आप सोचिए कि वर्तमान सरकार अगले 5 साल में रहेगी या नहीं रहेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। और आप सोचिए कि कानून बनाने का काम किसका है? आपकी सरकार का। आप देखते हैं कि कोई प्रस्ताव आपका आता है तो उसे विधेयक कहते हैं, राज्यसभा लोकसभा में आता है, दोनों जगह पास होना होता है, फिर आप देखते हैं राष्ट्रपति की सहमति मिलती है। अगर आप सोचिए कि कोई ऐसा कानून बना दिया जाए लोगों के हितों में ना हो, तो उस पर आप देखिए सबसे ऊपर बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक जाँच करेगा, अगर उसमें कुछ खामी पाई जाती है तो आप देखेंगे उसके जो भी कानून का जो भी आप शक्ति होगी उसे शून्य भी कर सकता है। तो न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की शक्ति को संविधान की व्याख्या करने और विधायिका और कार्यपालिका के ऐसे कानून या आदेश को घोषित करने की शक्ति को एक तरह से बताता है, ठीक है, जो संविधान के विपरीत हो, ऐसा कोई कानून या कोई आदेश दिया जाता है तो उसके शक्ति को जीरो कर सकता है या उसे हटा सकता है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। वरना आप सोचिए कि इंदिरा गांधी के समय में आपने देखा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, आपने देखा कैसे कैसे कानून बनाए गए, तो सरकार डिटेक्टर यानी कि आप सोचिए राज्यतंत्र की ओर बढ़ सकते हैं, तानाशाही कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट ऊपर बैठा हुआ है। क्वेश्चन है हमारे सामने 93, क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है आपसे? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। रॉयल इंडियन नेवी में गदर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ और द्वितीय गोल में सम्मेलन, उपयुक्त घटनाओं में से सही कालानुक्रम देखना है, यानी कि आपको इनका क्रम लगाना है। सीधी सी बात तो आप सभी को बता दूं कि आपने देखा होगा कि जो द्वितीय गोल में सम्मेलन हुआ था ये आप 1931 की घटना है, कब की? 1931 की। और आप सभी जानते हैं कि तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे?
भीमराव अम्बेडकर साहब। लेकिन कांग्रेस की तरफ से एकमात्र दूसरे सम्मेलन में ही भाग लिया गया है, और किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी साहब ने, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन आप सभी जानते हैं कि 1942 में चला गया था, और रॉयल इंडियन नेवी में गदर की अगर हम बात करें, ये एक तरह से विद्रोह था, तो ये आपका 1946 की घटना है। तो आप लोग इन्हें लगा लीजिए क्रम से, किस तरह से लगाएंगे? सबसे पहले आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो गया, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर आप देखेंगे रॉयल इंडियन नेवी में गदर यानी कि विद्रोह, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, 3-2-1। तो इस तरह के जब भी इतिहास पढ़ते हैं, तो मैंने पहले भी बोला है कि बड़े बारीकी से पढ़ा करिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते भी रहते हैं। क्या करते रहते हैं? आपके लिए क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 94। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई है, और दूसरा ग्राफ पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में सतत वृद्धि हुई है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछ रहा है? सही है, बताइए कौन सा कथन सही है। इसमें आप लोग याद रखिएगा, दोनों कथन बिल्कुल गलत है आपके। क्या है? क्योंकि आप देखेंगे 2004 से 2005 से लेकर 2015-16 तक कर उछाल में भिन्नता दर्शाई गई जो लहर, एक तरह से आप देखिए कि इसमें गलत है, बिल्कुल नहीं बढ़ा है, ठीक है। और अगर हम लोग राजकोषीय प्रोत्साहन के कारण मंदी के वर्षों में यानी कि 2008 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा तेजी से बढ़ा था, ठीक है, ना कि घाटे में सतत वृद्धि हुई थी, बढ़ा था। और फिर आपने देखा होगा अपनाए गए राजकोषीय समयन के समेकन उपायों के कारण इसमें काफ़ी अच्छे से गिरावट भी देखी गई थी। इसमें राजकोषीय घाटे की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ दो शब्द आए हुए हैं, दोनों को समझ लीजिए आप लोग। वैसे आप लोगों का समझना तो आप लोगों का काम है। राजकोषीय घाटे का मतलब सीधा सा इस तरह निकाल सकते हैं कि सरकार की कुल कमाई और खर्चे के बीच का अंतर, या फिर कह लीजिए कि सरकार खर्च पूरा करने के लिए पैसा उधार लेगी, वह राशि आपकी क्या कहलाती है? राजकोषीय घाटा कहलाती है। यानी कहने का मतलब है कि आप मान लीजिए कि आपकी आय 10 रुपये है और आपका खर्च आप देखिए कि 15 रुपये है, तो आप देखेंगे 5 का नुकसान हो रहा है आपको, और ये 5 आपको उधार लेते हैं एक तरह से, उसे ही आप लोग राजकोषीय घाटा कह लीजिएगा, ठीक है। वहीं अगर आपसे जीडीपी की बात करें, जीडीपी आप सुनते रहते हैं ना, जीडीपी जिसे आप लोग क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं, तो याद रखिए इसे किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं के कुल मूल्य को आप लोग जीडीपी कह देते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को दोनों कथन क्या रहेंगे? बिल्कुल गलत रहेंगे, यानी कि इसमें आप डी ऑप्शन बिल्कुल सही लगाओगे। आप लोग क्या लगाओगे? डी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 95। क्या पूछ रहा है? हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव था? तो याद रखिए, कॉरपोरेट राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कूनो पालनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें आप देखेंगे कि बी होगा, कूनो पालनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये आप सभी जानते हैं कि ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रजातियों की अनुवांशिक स्थिरता के हित में एक तरह से फैसला दिया था और एशियाई शेरों को कूनो में स्थानांतरित करने के पक्ष में फैसला सुनाया था, तो उसी की बात कर रहे हैं। इन सभी जो भी आपके नेशनल पार्क हैं, इन्हें भी याद रखा करिएगा। ये आप सभी जानते हैं कि जो आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका कहाँ? उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। और कूनो पालनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, और मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ है बताइए? कर्नाटक और केरला के बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगा। और एक और बचता है,
सरिस्का नेशनल पार्क, ये कहाँ देखने को मिलेगा बताइए? ये आपको अलवर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, कहाँ? राजस्थान में। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 96। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम का होना आवश्यक नहीं है? एक ऑप्शन कह रहा है, एक कह रहा है कि राष्ट्रीय विधान सभा का विघटन, दूसरा कह रहा है राज्य के मंत्री भी परिषद का हटाया जाना, और तीसरा कह रहा है स्थानीय निकायों का विघटन। बताइए कुछ। क्या करोगे इसमें? इसमें याद रखिए आपका एक तो एक ऑप्शन बिल्कुल होगा, एक आपका तीसरा, दूसरा बिल्कुल गलत होगा। देखिए, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जम्मू कश्मीर में आप लोगों ने काफी समय तक सुना होगा, और एक आपने कहा पंजाब में भी काफ़ी समय तक सुनते रहे। देखिए, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य मंत्री परिषद को बर्खास्त कर देता है, उसका काम खत्म कर देता है, और राष्ट्रपति विधानसभा को या तो निलंबित या फिर भंग कर सकता है। ठीक है, ये भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और इसे आप लोग राष्ट्रपति शासन को राज्य आपातकाल भी कहते हैं या संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। और राष्ट्रपति द्वारा आप देखते होंगे कि संविधान के अनुच्छेद 356 के माध्यम से एक तरह से केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, और आप देखिए कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा को उसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित होना भी जरूरी है। और राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। इसमें आप लोग बी ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, एक और तीन क्वेश्चन है हमारे सामने 97। भारत के संविधान में शोषण के विरोध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध रोकना, दूसरा कह रहा है अस्पृश्यता का उन्मूलन, तीसरा कह रहा है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, चार कह रहा है कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। नीचे दिए गए फूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर भी चुनना है। कैसे चुनोगे? तो इसमें आप देखना कौन कौन से सही होंगे। एक तो आपका पहला कथन बिल्कुल सही है, और एक आपका चार कथन बिल्कुल सही है, ये दोनों आपके बिल्कुल गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अस्पृश्यता का उन्मूलन समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 17 में आप देखते होंगे, और अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात होती सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत, और जो आपका ये शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला हुआ है ये आर्टिकल अनुच्छेद 23 और 24 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। देखिए, पहले भी आप लोगों से बोला था कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं इन्हें बड़े अच्छे से बारीक से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस काफ़ी संख्या में आते रहते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने 98। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? बताइए, अगर मैप आप लोगों ने लेकर पढ़ा होगा तो मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी अच्छे से बता सकते हैं। ए कह रहा है सुमात्रा, बी कह रहा है बोर्नियो, और सी कह रहा है जावा, और डी कह रहा है श्रीलंका। तो याद रखिए, सुमात्रा। ग्रेट निकोबार से श्रीलंका की दूरी आप देखेंगे 1437 किलोमीटर देखने को मिलेगी, और अगर हम लोग ग्रेट निकोबार से सुमात्रा की दूरी की बात करें तो 1152 किलोमीटर देखने को मिलेगी, 92। ठीक है, 1192 किलोमीटर। तो ये पास हुआ ना, तो इसी को आप लोग लगा देंगे। क्या कर देंगे? लगा देंगे। श्रीलंका तो आपका नीचे पड़ोसी भी है आपका, कि नहीं है? चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 99। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए
जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभी व्यक्त करता है। ए ऑप्शन कह रहा है ऐसी सरकारों के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल है तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। बी कह रहा है ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सी कह रहा है सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। और डी कह रहा है इसमें कि उस शासन अध्यक्ष के हाथों में को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता का पर नियंत्रण हसोन्मुख दशा में है। तो याद रखिए इसमें सी ऑप्शन होगा, सरकार की जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। सी ऑप्शन लगाएंगे, क्या लगाओगे? सी ऑप्शन आप लोग लगाओगे इसमें, ठीक है। सीधा सा सवाल था, क्वेश्चन है आपके सामने 100 और अंतिम। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संघराज पद्धति की विशेषता नहीं है? तो याद रखिए तीन तो होंगी आपकी और एक नहीं होगी, तो नहीं है उसे ही आप लोगों को चुनना होगा। कैसे चुनोगे? पहला कह रहा है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। बी कह रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। और सी कह रहा है संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। डी कह रहा है संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो याद रखिए इसमें डी नहीं होगा और बाकी एक दो तीन इसमें है, मतलब इसमें लेकिन क्या पूछा है, विशेषता नहीं है पूछा है। तो एक है, दो है, तीन है, यानी कि ए बी सी है लेकिन डी नहीं है, तो इसमें आप लोग डी ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये था आपका 2017 का UPSC प्रीलिम्स का पेपर फर्स्ट, जिसे आप लोग GS फर्स्ट भी कह देते हैं, सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट भी कह देते हैं। चलिए तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं हम लोग 2018 का प्रीलिम्स पेपर पहला पेपर, क्योंकि आप देखते हैं प्रीलिम्स में भी आपके दो पेपर होते हैं, एक GS पेपर फर्स्ट और दूसरे को आप लोग CSAT कहते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़रूरी रहता है GS पेपर फर्स्ट, सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट।